अपने YouTube चैनल लाइव स्टडी इलाहाबाद पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, प्रत्येक दिन शाम को 7 बजे से हम लोग उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, बिहार टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, मध्य प्रदेश स्टेट, मध्य प्रदेश सेट, यूजीसी नेट, एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर, उत्तराखंड लेक्चरर, उत्तराखंड एलटी और अन्य परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। और साथ ही साथ इस सेशन में हम लोग ऐसे प्रश्नों का भी समावेश करते हैं जो प्रश्न परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होते हैं। वही हमारी इकोनॉमिक्स की दूसरी क्लास आपको लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे देखने को मिलेगी, जहाँ पे आपको एक रणनीति के माध्यम से इकोनॉमिक्स के सारे कंटेंट प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। अलग अलग बैचेज हैं और अलग अलग बैचेज में आपके सिलेबस के अनुसार आपको इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्टेंट प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ताकि कम समय में बेहतर ढंग से आप इकोनॉमिक्स को सीख सकें, समझ सकें और सफलता सुनिश्चित कर सकें। दोस्तों, लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे इकोनॉमिक्स के सभी कॉन्सेप्ट सिंपल सटीक और साधारण भाषा में पढ़ाए जा रहे हैं आपके सिलेबस के अनुसार। इसकी लाइव क्लास होती है। इनकेस अगर जो लाइव क्लास में आप नहीं जुड़ पाते हैं, तो बाद में आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल जाता है, आप अपने समय के अनुसार कभी भी क्लास को देख सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, यहाँ पे कम्प्लीट आपको इकोनॉमिक्स के नोट्स भी दिए जा रहे हैं, ताकि आप एक तरफ कॉन्सेप्ट को पढ़ते रहिए और दूसरी तरफ नोट्स के माध्यम से रिवीजन करते रहिए। रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट भूमिका अदा करेगा दोस्तों आपके एग्जामिनेशन हाल में। क्योंकि जब आप टेस्ट सीरीज देकर के नहीं जाते हैं ना, तो आप बोलते हैं कि सर प्रश्न तो आसान थे, बट पता नहीं कैसे गलती हो गई। क्यों गलती हो गई? इसलिए गलत हो गया क्योंकि आपने उस तरीके के एटमोसफियर में, उस तरीके की कंडीशन में एग्जाम से पहले कभी डाला ही नहीं। तो आप यहाँ पे टेस्ट दीजिए, जब आप टेस्ट देंगे तो आप समझ पाएंगे कि आखिरकार किस लेवल के प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाने वाले हैं और आपकी तैयारी कैसी चल रही है, जो गलती हो रही है वो कहाँ पे हो रही है, और फिर उस गलती को सुधार करिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए, जिससे आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो पाए। साथ ही साथ आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर भी दिए जा रहे हैं। डायरेक्टली इनडायरेक्टली शिक्षक भर्ती के अंतर्गत बहुत सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं, और करेंट की भी क्लासेस उपलब्ध कराना हमारी जिम्मेदारी होगी। अगर जो कोर्स की वैलिडिटी की बात करें, तो कोर्स की वैलिडिटी लाइफ टाइम की होगी। इट मीन्स अगर जो आप एक बार एडमिशन लेते हैं, तो वर्तमान परीक्षा के लिए तो आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। साथ ही साथ इन फ्यूचर में जब भी कोई नई वैकेंसी आती है, उसके लिए जब भी नया बैच प्रारंभ होता है, आपको ऑटोमेटिक नए बैच में ऐड कर दिया जाएगा। अलग से आपको फीस पेमेंट करने की जरूरत नहीं होगी। एडमिशन ओपन है। एडमिशन की जो फीस है वो केवल और केवल 2000 रुपये है। तो आप एडमिशन लेने के लिए सिंपली अपनी फीस इस नंबर पे पेमेंट कर सकते हैं, गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से, और उसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर देना होगा। किसी भी इंक्वायरी के लिए इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके भी कोर्स को परचेज कर सकते हैं। सारे बैचेज उपलब्ध हैं, उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, बिहार टीजीटी पीजीटी, यूजीसी नेट, उत्तराखंड लेक्चरर, झारखंड टीजीटी पीजीटी, झारखंड जेट, मध्य प्रदेश सेट, मध्य प्रदेश स्टेट, उत्तराखंड लेक्चरर, उत्तराखंड एलटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर और अन्य परीक्षाओं के लिए अलग अलग बैच उपलब्ध हैं। किसी भी प्रकार की इंक्वायरी के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और जो अभी हमारा नया बैच प्रारंभ हुआ है, वो प्रारंभ हुआ है उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी के लिए। बिहार टीजीटी पीजीटी के लिए नया बैच प्रारंभ हुआ है। झारखंड में आपको टीजीटी और जेट की क्लास देखने को मिल जाएगी। मध्य प्रदेश में आपको सेट की नई क्लास देखने को मिल जाएगी। और साथ ही साथ आपको उत्तराखंड में लेक्चरर और एलटी के लिए नया बैच देखने को मिल जाएगा। तो जो लोग भी अभी तक एडमिशन नहीं लिए हैं, यथाशीघ्र एडमिशन लेकर के एप्लीकेशन और यूट्यूब दोनों जगह आप अगर जो फॉलो कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आपको कोई समस्या होने वाली नहीं है। चलिए, अब हम लोग मूव करेंगे अपने सेशन की तरफ। बिल्कुल ठीक है, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सबका नाम पढ़ना पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन फिर भी राजन सिंह जी, प्रभात सिंह जी बिल्कुल ठीक है, भगवंती जी, अक्षय गौरी जी, नविता भट्ट जी बिल्कुल ठीक है। सभी लोगों से निवेदन है, जितने लोग भी क्लास देख रहे हैं, सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और शेयर भी जरूर कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि अल्प विकसित देशों में छद्म बेरोजगारी का अर्थ क्या है। देखिए दोस्तों, मैं एक लाइन में बताऊंगा और हमेशा आपको ये याद रखना है कि छद्म बेरोजगारी क्या होता है। जैसे जो पैटर्न मैं बता रहा हूँ, इस पैटर्न को आपको याद रखना है। देखिए दोस्तों, अगर जो हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें ना, अगर जो गांव की बात करें, तो गांव में मुख्य रूप से दो प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है,
ठीक है। गांव में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, दो प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है, क्योंकि गांव के लोग किससे संबंधित होते हैं, मुख्य रूप से कृषि से संबंधित होते हैं, ठीक है। ग्रामीण एरिया में कृषि ही तो ज्यादा होता है ना, तो ग्रामीण क्षेत्र में दो तरीके की बेरोजगारी पाई जाती है। एक होता है दोस्तों जिसे छद्म बेरोजगारी बोलते हैं, या जिसे छिपी हुई बेरोजगारी बोलते हैं, ठीक है, या जिसे प्रच्छन्न बेरोजगारी बोलते हैं, या जिसे अदृश्य बेरोजगारी बोलते हैं, ठीक है, अदृश्य बेरोजगारी बोलते हैं। और दूसरा जो होता है वो होता है मौसमी बेरोजगारी, ठीक है। दूसरा क्या होता है, मौसमी बेरोजगारी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, देखिए ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, यहाँ से प्रश्न बनता है। तो ग्रामीण क्षेत्र में मुख्य रूप से दो प्रकार की बेरोजगारी देखने को मिलती है। पहला जिसे प्रच्छन्न बेरोजगारी आप बोलते हैं, या उसे ही छिपी हुई बेरोजगारी बोलते हैं, या उसे ही अदृश्य बेरोजगारी बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कुछ श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। अब आप कहेंगे सर जी कुछ श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर जो कोई व्यक्ति ए है, ठीक है, ए व्यक्ति है, और अगर जो वो उत्पादन कर रहा है तो 2 एकड़ भूमि पे वो अकेला उत्पादन कर रहा है, और वो 5 क्विंटल गेहूं का उत्पादन मान लीजिए कर ले रहा है। लेकिन अब ये जो ए व्यक्ति है ना, इसके 2 बच्चे हो जाते हैं, उनको नौकरी मिलती नहीं है। तो अब ये 2 बच्चे जब उसके हो जाते हैं तो बच्चों को ये लगता है कि चलो भैया पिताजी के साथ क्या करें, खेत में हाथ बटाएं, ठीक है, कृषि करें। तो अब ए के साथ साथ इसके 2 पुत्र भी आ जाते हैं। तो ये एक पुत्र को एक्स मान लीजिए, दूसरे पुत्र को वाई मान लीजिए। तो अब 3 लोग मिलकर के अगर जो 2 एकड़ भूमि पे उत्पादन करेंगे तो भी उत्पादकता को बहुत ज्यादा बढ़ाया नहीं जा सकता है, क्योंकि भूमि की उर्वरकता क्षमता जो होती है वो निश्चित होती है, ठीक है, सीमित होती है। तो ऐसी स्थिति में 3 लोग भी उस भूमि पर उत्पादन करेंगे तो 5 ही क्विंटल गेहूं का उत्पादन हो पाएगा, और 1 लोग भी उत्पादन कर रहे थे तो 5 ही क्विंटल गेहूं का उत्पादन हो रहा है। इसका मतलब ये है कि जो एक्स और वाई 2 नए व्यक्ति आए हैं और उत्पादन में लगे हैं, इनका उत्पादन में लगे रहने और ना लगे रहने से उत्पादकता पर कोई असर नहीं पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा कि कुछ व्यक्तियों की सीमांत उत्पादकता क्या होती है, शून्य हो जाती है। उसके बाद मौसमी बेरोजगारी की अगर जो बात करें दोस्तों, तो देखिए ध्यान से समझिएगा, ग्रामीण क्षेत्र में मुख्य रूप से दो प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है, कृषि क्षेत्र में मुख्य रूप से 2 प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है, छिपी हुई बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी या अदृश्य बेरोजगारी, एक ही सबको बोलते हैं, और दूसरा मौसमी बेरोजगारी है। इसके अंतर्गत क्या होता है ना दोस्तों, कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे भूमि होते हैं ना जहाँ पे केवल चावल का उत्पादन होता है, वहाँ गेहूं का उत्पादन नहीं होता है। बहुत सारे भूमि ऐसे होते हैं जहाँ केवल सरसों का उत्पादन होता है, वहाँ पे गेहूं और चावल का उत्पादन नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में अगर जो वर्ष के 12 महीने अगर जो कोई किसी व्यक्ति को रोजगार नहीं प्राप्त है, तो इस कृषि क्षेत्र में खास करके, तो इस प्रकार की जो बेरोजगारी होगी उसे मौसमी बेरोजगारी बोलेंगे। जैसे बिहार की बात करें तो बिहार में कोसी नदी आता है ना, तो कोसी नदी जिन क्षेत्रों में उफान पे आता है उन क्षेत्रों के लोग क्या करते हैं, उन क्षेत्रों के लोग धान की रोपाई थोड़ी करते हैं, वहाँ गेहूं तो उत्पादन हो जाता है लेकिन धान का उत्पादन नहीं हो पाता है। तो ऐसी स्थिति में आप कह सकते हैं कि 6 महीने उन्हें रोजगार प्राप्त है और मौसम के कारण 6 महीने रोजगार प्राप्त नहीं है, तो यही मौसमी बेरोजगारी होगी। अगला प्रश्न, बिल्कुल ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि साधारण चक्रीय प्रवाह मॉडल में, अब देखिए दोस्तों साधारण चक्रीय प्रवाह जो है ना वो क्या सिद्धांत है, थोड़ा आराम से इस बात को समझिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत किसी को, सभी लोग थोड़ा सा वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करिए, इतने सारे लोग क्लास में जुड़े रहते हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम होती है। सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को पहले एक बार सभी लोग लाइक कर दीजिए फिर हम लोग आगे बढ़ें, बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे डी बोल रहे हैं, जितने लोग भी डी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक है। अब आसान भाषा में समझिएगा कि ये जो चक्रीय प्रवाह मॉडल है ये क्या है। तो देखिए दोस्तों चक्रीय प्रवाह जो मॉडल है ना, इस मॉडल के में 3 क्षेत्रों में सभी को डिवाइड किया गया है, 3 क्षेत्र में अर्थव्यवस्था को डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला जो है वो कौन है, वो है उपभोक्ता, ठीक है, उपभोक्ता अर्थात जो वस्तुओं को क्रय करता है, ठीक है। दूसरा क्षेत्र इसमें जो है वो है घरेलू क्षेत्र, ठीक है, घरेलू क्षेत्र, और जो तीसरा है घरेलू क्षेत्र,
और इसमें जो तीसरा क्षेत्र है वो है उद्योग या सरकारी क्षेत्र, ठीक है, जिसे हम क्या बोलेंगे, उद्योग क्षेत्र या सरकारी क्षेत्र, ठीक है। और इन अब आपको बात समझ में आ गई होगी, उद्योग, ठीक है, औद्योगिक क्षेत्र, ठीक है, जिसमें उद्योग आता है। तो ये चक्रीय प्रवाह मॉडल है ना, इसमें तीन क्षेत्रों की बात हुई है, जिसमें परिवार जिसे उपभोक्ता के रूप में माना गया है, दूसरा घरेलू क्षेत्र और तीसरा औद्योगिक क्षेत्र। तो इन लोगों ने ये कहा कि जो घरेलू क्षेत्र होता है ना, वो क्या करता है कि वो संसाधनों की आपूर्ति करता होता है। जैसे घरेलू क्षेत्र में क्या होता है, प्राकृतिक और भौतिक संसाधन बहुत मौजूद होते हैं ना, तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग या तो श्रम देते हैं, या तो मजदूरी करते हैं, या तो कच्चे माल देते हैं। तो इस तरीके से घरेलू संसाधन की ये आपूर्ति करता होते हैं, देयर इज नो डाउट। व्यवसाय अंतिम वस्तुओं के आपूर्ति करता होते हैं, अर्थात ये उद्योग की बात कर रहा है, अर्थात ये तीसरे क्षेत्र की बात कर रहा है कि व्यवसाय अंतिम वस्तुओं के आपूर्ति करता होते हैं और घरेलू अंतिम वस्तुओं के मांग करता होते हैं, अर्थात इस क्षेत्र की बात कर रहा है। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कि अनुकूलतम जनसंख्या वह जनसंख्या है जो प्रति व्यक्ति आय को अधिकतम करे। प्रति व्यक्ति आय इज इक्वल टू क्या होता है सर, प्रति व्यक्ति आय इज इक्वल टू क्या होता है, आपको पता होना चाहिए ना। अब अगर जो ये बात नहीं पता है तो क्यों नहीं पता है, प्रति व्यक्ति आय इज इक्वल टू क्या होता है, प्रति व्यक्ति आय इज इक्वल टू क्या होता है, उस देश की राष्ट्रीय आय, ठीक है, उस देश की राष्ट्रीय आय अपान उस देश की कुल जनसंख्या, यही तो होता है ना, कुल जनसंख्या यही तो होता है ना। और अब किस अर्थशास्त्री ने कहा कि अनुकूलतम प्रति व्यक्ति आय जो होगा वो, सॉरी, अनुकूलतम जनसंख्या किसी देश की वह होगी जहाँ पे लोगों की प्रति व्यक्ति आय अधिकतम है, ठीक है। अगर जो लोगों की प्रति व्यक्ति आय अधिकतम है तो हम कहेंगे कि उस देश की जनसंख्या जो है वो अनुकूलतम स्थिति में विद्यमान है, अर्थात वो आर्थिक विकास में विद्यमान, आर्थिक विकास में बाधक का काम नहीं करता है। तो जितने लोग भी डाल्टन की बात बोल रहे हैं, सी की बात बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक हो जाएगा। तो अनुकूलतम जनसंख्या वह जनसंख्या है जो प्रति व्यक्ति अधिकतम आय प्रदान करता है, ये बात किसने कही थी, डाल्टन ने कहा था। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि सोलो के आर्थिक विकास मॉडल में कौन सी मान्यता गलत है। सोलो साहब की मान्यता इसमें से कौन सी गलत है भाई, बिल्कुल ठीक है। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करिए, इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं, आज का सीजन बहुत महत्वपूर्ण है, अंत तक क्लास को देखिएगा, आज का सीजन बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा। क्या उत्तर आ रहा है भाई, अब सोलो साहब की थियोरी को आपने पढ़ा होगा अगर जो, तो अच्छे से आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है भैया। अगर जो आपने सोलो के मॉडल को पढ़ा होगा तो उन्होंने कहा था कि मूल्य और जो मजदूरी होती है ना, ये परिवर्तनशील होती है, ये क्या होती है, ये परिवर्तनशील होती है, अर्थात अर्थव्यवस्था में जो वस्तुओं की कीमतें होती हैं और जो मजदूर की मजदूरी होती है उसमें परिवर्तन होता रहता है, वो स्थिर नहीं होता है। बाकी आपने और भी पढ़ा होगा कि सोलो साहब के मॉडल को जब आपने पढ़ा होगा तो वहाँ पे एक मान्यता और पड़ी होगी कि उत्पादन के केवल दो साधन हैं, पहला जो है श्रम है और दूसरा जो है वो पूंजी है। उत्पादन के दो साधनों की बात करते हैं, श्रम की बात करते हैं, पूंजी की बात करते हैं, फिर कहते हैं कि मूल्य और मजदूरी जो होता है वो परिवर्तनशील होता है और जो श्रमिक होते हैं उनको पूर्ण रोजगार की प्राप्ति भी होती है और उत्पादन फलन जो होता है वो समरूप होता है। अब देखिए दोस्तों, ऐसे ही प्रश्नों के लिए आपको ज़्यादा कॉन्सेप्ट पढ़ने की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर जो ऐसे प्रश्नों का कॉन्सेप्ट ठीक तरीके से नहीं तैयार है ना, तो आप रट के कितना उसको मैनेज कर पाएंगे। मैं इसीलिए बार बार बोलता हूँ कि अगर जो आप हमारे साथ जुड़े हैं तो आप एप्लीकेशन पे भी आराम आराम से पढ़ते रहिए, सब कुछ पढ़ाया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है और ऐसा कुछ हो नहीं सकता है कि आपको वहाँ पर चीज़ें समझ में ना आए, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सटीक साधारण भाषा में पढ़ाया जाता है। मैं अपने स्टूडेंटों को इतना छूट भी देता हूँ कि भैया कहीं भी कोई दिक्कत होती है, कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिए या कॉल कर लीजिए, ठीक है। बस आप ईमानदारी से एप्लीकेशन पे पढ़िए, वहाँ पे सारे कंटेंट को फॉलो करिए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए, कहीं भी इधर उधर से कुछ कलेक्ट करने की ज़रूरत आपको नहीं होगी। एडमिशन के लिए ये जो नीचे नंबर आ रहा है इस नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। क्या उत्तर आ रहा है सर, सी बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस समस्या को
भारत की मिश्रित अर्थव्यवस्था के संबंध में सही नहीं माना जाता है। थोड़ा आराम से करिएगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, सी के अलावा कोई और है, सी के अलावा कोई और है, सभी लोग सी ही बोल रहे हैं क्या भाई, सभी लोग सी बोल रहे हैं, और कोई सी के अलावा, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो जितने भी महानुभाव सी बोल रहे हैं, बिल्कुल सही है सर, कि इनमें से किस समस्या को भारत की मिश्रित अर्थव्यवस्था के संबंध में सत्य नहीं माना जाता है, तो निर्यातों को की निम्न वरीयता क्षेत्र में अनुमति दी गई है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है भैया। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र का सह अस्तित्व हो। निजी क्षेत्र का मतलब क्या होता है कि जैसे बहुत सारी कंपनियां हैं जो निजी हाथों में है, जैसे मुकेश अंबानी के हाथ में है, धीरू भाई अंबानी के हाथ में है, और बहुत सारी ऐसी भी संस्थाएं हैं जो सरकार के हाथ में है, जैसे रेलवे हो गया, जैसे डाक हो गया, ठीक है, ये सब सरकार के हाथ में है। तो जिस अर्थव्यवस्था में निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का सह अस्तित्व पाया जाता है, उसे ही मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि निम्नलिखित लक्षणों में से कौन सा लक्षण सामान्यता विकासशील देशों का है। क्या उत्तर होगा भाई? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्या उत्तर आ रहा है? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, बिल्कुल, थोड़ा आराम से करिएगा सर, डी बोल रहे हैं, और कोई डी के अलावा, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, सभी लोग डी बोल रहे हैं कि निम्नलिखित लक्षण में से कौन सा लक्षण सामान्यता विकासशील देश का है। विकासशील देश का लक्षण क्या क्या हो सकता है भाई? एक तो यहाँ पे चलिए ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ और क्या क्या विकासशील देश का लक्षण हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, विकासशील देश के लक्षण ये होते हैं कि जो राष्ट्रीय आय होता है ना, जो राष्ट्रीय आय होता है उसमें, राष्ट्रीय आय में प्राइमरी सेक्टर का योगदान बहुत कम होता है। जो प्राथमिक क्षेत्र होता है उसका योगदान जो होता है वो बहुत कम होना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो प्राथमिक सेक्टर का राष्ट्रीय आय में योगदान अगर जो ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये होता है कि उस देश का जो द्वितीयक सेक्टर है, अर्थात जो उद्योग है, और जो तृतीयक सेक्टर है, जो सेवा क्षेत्र है, उसका विकास हुआ ही नहीं। और जब किसी भी देश में उद्योग और सेवा क्षेत्र का विकास नहीं होगा, तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि वो देश क्या है, विकासशील है या अल्प विकसित है। तो राष्ट्रीय आय का एक बड़ा भाग जो होता है वो कहाँ से आता है? प्राइमरी सेक्टर से आता है। तो यही विकासशील देशों का क्या होता है? लक्षण होता है। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं। अगला कि विश्व बैंक व IMF क्रमशः देते हैं। चलिए भैया, विश्व बैंक और IMF की बात करें तो आपको बताना होगा। बिल्कुल ठीक है, विश्व बैंक और IMF की बात हो रही है, थोड़ा आराम से करिएगा। विश्व बैंक और IMF की बात हो, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्या उत्तर आ रहा है भाई? चलिए, ये बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, और कोई? देखिएगा, कभी 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 क्या होता है ना कि अल्पकाल को लोग दीर्घकाल समझ लेते हैं, दीर्घकाल को अल्पकाल समझ लेते हैं। तो इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे, इस प्रश्न को कैसे रिवाइज करेंगे, इस प्रश्न को अगर जो आपको रिवाइज करना हो तो आप कैसे रिवाइज करेंगे? कहेंगे कि देखिए सर जी, जो विश्व बैंक है ना, इसकी भी स्थापना कब होती है? इसकी भी स्थापना 1945 में होती है। और जो IMF है, अर्थात जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, इसकी भी स्थापना 1945 में ही होती है। लेकिन विश्व बैंक जो है वो क्या करता है, ठीक एक वर्ष बाद कार्य करना शुरू कर देता है 1946 में। लेकिन जो IMF है, अर्थात जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, वो 2 वर्ष बाद कार्य करना शुरू करता है 1947 में। चूंकि विश्व बैंक और IMF दोनों की स्थापना साथ साथ हुई थी, तो ठीक है, ठीक है, चूंकि विश्व बैंक और IMF की स्थापना साथ साथ होती है, इसलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं, जुड़वा बहने बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जुड़वा बहने बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जुड़वा बहने या जुड़वा संस्थाएं किसे कहा जाता है? तो वो दोस्तों विश्व बैंक और IMF को कहा जाता है। और जो विश्व बैंक होता है वो क्या करता है, दीर्घकालीन ऋण देता है। ठीक है, जो देश आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से पिछड़े हुए होते हैं, उनको विश्व बैंक क्या करता है, ऋण प्रदान करता है, ताकि आप क्या कर सकें, अपना विकास कर सकें।
और अगर जो IMF की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो होता है वो भुगतान असंतुलन की समस्या को दूर करने के लिए अल्पकालीन साख प्रोवाइड करता है। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला कि 1991 के भुगतान संतुलन संकट के दौरान भारत का विदेशी मुद्रा भंडार इतना कम हो गया था कि भारत मुश्किल से कितने सप्ताह के आयात का भुगतान कर सकता था। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलिए क्या उत्तर आ रहा है भाई। बिल्कुल, तो देखिए दोस्तों ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। क्या होता है, ये 1991 की बात है, 1991 की बात है, भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो लगभग लगभग दिवालिया होने के करार पे थी। ठीक है, क्योंकि हमारे देश में पैसा बचा ही नहीं था। ठीक है, इतना पैसा देश में नहीं था कि सारी चीज़ों को सुचारू रूप से चलाया जा सके। केवल और केवल 2 सप्ताह के उपयोग के लिए ही राष्ट्र के पास धन बचा था। ऐसी स्थिति में मनमोहन सिंह जी आते हैं और वो LPG मॉडल लेकर के आते हैं। ठीक है, LPG मॉडल लेकर के आते हैं, जहाँ पे वो क्या कहते हैं, कहते हैं कि भैया देखिए अब आपको केवल 6 क्षेत्रों को छोड़ दिया जाए तो अब आपको किसी भी प्रकार की कोई भी फर्म या उद्योग स्थापित करने के लिए सरकार से लाइसेंस लेने नहीं पड़ेंगे। जिससे क्या हो गया, निजी निवेश में बढ़ावा देखने को मिला। उसके बाद इन्होंने कहा कि भैया अब हम क्या करेंगे कि विश्व के अन्य देशों के साथ हम व्यापार करेंगे, हम क्या करेंगे, हम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का भी प्रयोग करेंगे। और उन्होंने जो काम किया उस वजह से उस समय हमारी अर्थव्यवस्था ना कि कंगाल होने से बची बल्कि विश्व की सबसे विकसित अर्थव्यवस्थाओं में से एक अर्थव्यवस्था उभर के सामने आई थी। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है। इसी कारण से मनमोहन सिंह जी जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। पूरी दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उनका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन जो मजाक उड़ाते हैं ना वो उनके बारे में जानते नहीं। ठीक है, चलिए क्या उत्तर आ रहा है भाई। जो व्यक्ति कम बोलता है वो मूर्ख नहीं, वो ज्ञानी होता है। लेकिन लोगों ने क्या साबित कर दिया कि जो व्यक्ति कम बोलता है वो मूर्ख होता है ना। और हमारे देश की जनता मान भी लेती है। चलिए भाई, क्योंकि सोशल मीडिया से मनवाया जाता है सारी चीज़ें। क्या उत्तर आ रहा है, सी बोल रहे हैं सभी लोग, सी बोल रहे हैं। तो देखिए दोस्तों याद रखिएगा, विस्तृत मुद्रा की बात हो रही है तो विस्तृत मुद्रा जो है उसे M3 को विस्तृत मुद्रा बोला जाता है। और सभी लोग अब लाइव क्लास जरूर जरूर ज्वाइन करिए, अब ईच एंड एवरी डे क्लास आपकी रेगुलर होने वाली है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों 2-3 बातें आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। पहले तो M0 जिसे हम क्या बोलते हैं, आरक्षित मुद्रा बोलते हैं। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, आरक्षित मुद्रा बोलते हैं। और M0 की अवधारणा जो दिया था वो रेड्डी समिति के द्वारा दिया गया था। किस समिति के द्वारा दिया गया था, रेड्डी समिति के द्वारा दिया गया था। ठीक है, उसके बाद अगर जो बात करें M1 M2 M3 ठीक है M4 ये किस समिति के द्वारा दिया गया था, तो ये चक्रवर्ती समिति के द्वारा दिया गया था। याद रखिएगा, पूछा जाता है आपके पेपर में, प्रश्न आता है चक्रवर्ती समिति के द्वारा। ठीक है, तो अब देखिए M1 M2 M3 M4 एक चक्र बना रहा है ना, तो इससे याद रखिएगा कि ये चक्र बना रहा है तो चक्रवर्ती समिति से संबंधित है। और M0 जिसे आरक्षित मुद्रा बोलते हैं वो रेड्डी समिति ने M0 की अवधारणा दिया था। अब आप कहेंगे कि सर जी ये होता क्या है M1 M2 M3 M4 सर समझ में नहीं आता। तो देखिए समझ में आने के लिए कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा, लेकिन आसान भाषा में इसे जान लीजिए कि जिस तरीके से जब आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो जाता है ना तो आप इधर उधर पैसा को क्रोडित करके रखते हैं, उसी तरीके से जो हमारे देश की केंद्रीय बैंक है अर्थात जो RBI है उसने अर्थव्यवस्था में जो मुद्रा की पूर्ति डाली है उसी मुद्रा को वो क्रोडित किया है M1 M2 M3 M4 में, जिसके अंतर्गत M1 में क्या आता है दोस्तों, नोट व सिक्के आता है। M2 में इसमें मांग जमाओं को जोड़ दिया जाता है। ठीक है, इसी तरीके से M3 होता है, फिर M4 होता है जिसमें सबसे ज़्यादा तरल जो होता है M1 होता है और सबसे कम तरल जो होता है M4 होता है। M4 में अचल संपत्ति आती है और M1 में क्या आता है, M1 में नोट और सिक्के आते हैं। और देखिए M1 को हम क्या बोलते हैं, M1 को संकीर्ण मनी या नैरो मनी बोलते हैं। M1 को इसको हम क्या लोग क्या बोलते हैं, संकीर्ण मुद्रा या नैरो मनी। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं विस्तृत मुद्रा। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, विस्तृत मुद्रा।
और M4 जो होता है वो क्या होता है, सबसे कम तरल होता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला, कि विवेकशील प्रत्याशा सिद्धांत के अनुसार सरकार की प्रत्याशित नीति होगी। ठीक है, विवेकशील प्रत्याशा सिद्धांत के अनुसार सरकार की प्रत्याशित नीति कैसी होगी? चलिए भाई बताइए क्या उत्तर आ रहा है। सर बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ बी बोल रहे हैं सभी लोग, बिल्कुल ठीक है। तो देखिए दोस्तों, बिल्कुल ठीक है। चलिए तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, अगेन बी बोल रहे हैं। तो देखिए जितने लोग भी बी बोल रहे हैं बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं। देखिए विवेकशील प्रत्याशा सिद्धांत जो है ना वो हमें इस बात को बताता है कि देखिए सरकार क्या होती है कि कुछ समय के लिए सबको मूर्ख बना सकती है। ठीक है, सरकार, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। सरकार जो होती है वो क्या करती है कि सब लोगों को कुछ समय के लिए मूर्ख बना लेती है। जैसे अभी बनाया ना सरकार ने 2014 में बनाया था ना कि 15 लाख हमको जिता दो, हम 15 लाख रुपए आपको एक खाते में डाल देंगे। उसके बाद हमारे राहुल बाबा आ गए तो उन्होंने भी कहा कि हम भी 1-1 लाख रुपया देंगे। तो लेकिन ये ऐसा संभव नहीं है, और अगर जो कोई ऐसा ऐसी बात करता भी है तो वो अर्थव्यवस्था के हित में नहीं है। ठीक है, जो मुफ्त की बात अगर जो कोई भी पॉलिटिशियन कर रहा है तो इस बात को जानिए कि वो लोगों की भलाई के लिए नहीं, वो कुछ लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए इन इन चीज़ों का प्रयोग कर रहा है। ठीक है, 1 लाख रुपए जो देंगे, चाहे 15 लाख रुपए जो भी किसी को देगा, वो अपने जेब से देगा क्या, या किसी विदेश से दूसरे से ला करके देगा? वो हमारा और आपका ही टैक्स होगा जो हमसे और आपसे वो लेंगे और दूसरे को दे देंगे। ठीक है, चलिए अगला, कि परंपरावादी अर्थशास्त्र में मुद्रा पूर्ति में परिवर्तन से क्या होता है? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। सपना सिंह जी, शत्रुघ्न प्रसाद जी, नविता भट्ट जी, बिल्कुल ठीक है। कुंदन कुमार जी, आस्था जी, प्रकाश कुमार जी, मीनू यादव जी, सागर जी, बिल्कुल ठीक है। सदानंद मिश्रा जी, ममता कुमारी जी, नीलम कुमारी जी, सतीश जी, बिल्कुल ठीक है। सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक और शेयर किया करिए। अक्षय जी, राजन जी, सतीश कुमार गुप्ता जी, रामसुख चक्रवर्ती जी, बिल्कुल ठीक है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ ये बोल रहे हैं बी बोल रहे हैं, ए बी क्या उत्तर आ रहा है भाई, ए बी क्या उत्तर आ रहा है? तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, बहुत सारी गलतियाँ आ रही हैं इसमें। इतना कंफ्यूज होने वाली बात कौन सी है भाई, इतने सारे लोग इस प्रश्न को गलत कर रहे हैं, इसमें कौन सा कंफ्यूज होने वाली बात है भाई? बिल्कुल ठीक है, तो जितने भी महानुभाव क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे, सभी लोग का उत्तर ठीक होगा कि केवल कीमतें प्रभावित होती है। अब देखिए आपको कौन नहीं याद आया, आपको कौन नहीं याद आया, आपको याद आ जाने चाहिए फीसर साहब। ठीक है, आपको फीसर साहब याद आ जाने चाहिए, और जब फीसर साहब याद आ गए तो फीसर का समीकरण MV = PT आपको याद आ जाना चाहिए, और जब MV = PT आपको याद आ जाएगा तो फिर आपको ये याद आना चाहिए कि इसके अंतर्गत ये कहा गया कि अर्थव्यवस्था में अगर जो मुद्रा की पूर्ति बढ़ाई जाएगी। मुद्रा की पूर्ति बढ़ने का क्या मतलब है, मुद्रा की पूर्ति बढ़ने का ये मतलब है कि अर्थव्यवस्था में पैसा बढ़ रहा है, तो जब मुद्रा की पूर्ति बढ़ी तो सभी के पास तो जाएगा ना पैसा, तो जब पैसा सभी लोगों के पास जाएगा तो सभी लोग अपने मांग को बढ़ाएंगे, उनकी क्रय शक्ति बढ़ेगी। तो जब मांग में वृद्धि होगी और मांग के अनुरूप, ठीक है, जब मांग में वृद्धि होगी और मांग में वृद्धि के अनुरूप अगर जो उत्पादन को नहीं बढ़ाया जाएगा, पूर्ति को नहीं बढ़ाया जाएगा, तो ऐसी स्थिति में वस्तुओं की जो कीमतें होंगी वो दोगुनी हो जाएंगी। वस्तु की जो कीमत होगी वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी दोगुनी। और जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उसका मूल्य क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। ठीक है, उसका मूल्य क्या हो जाता है दोस्तों, आधा हो जाता है। ठीक है, तो ये केवल और केवल कीमतों को प्रभावित करेगी। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। भारत में व्यक्तिगत आयकर है एक, भारत में किस प्रकार का व्यक्तिगत आयकर लगाया जाता है, चलिए बताइए। बिल्कुल ठीक है, क्या उत्तर आ रहा है भाई, बिल्कुल ठीक है। अरे भाई ठीक है, संख्या ज्यादा रहे या कम रहे उससे क्या लेना देना है, ये कंपटीशन है ना, अपने ऊपर ध्यान दीजिए। ठीक है, अपने पढ़ना है, दुनिया से क्या लेना देना है ना। चलिए, अगर जो दो लोग भी पढ़ेंगे तो मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, अगर जो दो लोग भी सीरियस हो पढ़ने वाले तो मैं पढ़ाऊंगा, आप निश्चिंत रहिए,
बहुत सारी इतनी इतनी संख्या है, हाँ रोज के मुकाबले थोड़ा सा आज संख्या जो है वो कम है। चलिए क्या उत्तर आ रहा है भाई? बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं। देखिए सर बात को ध्यान से समझिएगा, अगर जो आप अन्य किताबों को देख रहे होंगे, किसी पुरानी किताब को देख रहे होंगे, तो वहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर बी देखने को मिलेगा, लेकिन बी जो है वो सही नहीं है। इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है दोस्तों डी, ठीक है। अधोगामी कर प्रणाली, अधोगामी कर प्रणाली क्या होता है दोस्तों? अधोगामी कर प्रणाली का ये मतलब होता है कि जैसे जैसे आपकी आय बढ़ती है, जैसे आपकी इनकम बढ़ती है ना, एक सेकेंड, अधोगामी कर प्रणाली क्या होती है? अधोगामी कर प्रणाली का मतलब ये होता है कि जैसे आपकी इनकम में वृद्धि होती है, जैसे अगर जो आपकी आय बढ़ रही है तो आय के जिस अनुपात में आय बढ़ रहा है उसी अनुपात में क्या होता है, कर की दर भी बढ़ती है, और इसे हम क्या बोलते हैं, इसे प्रगतिशील कर बोलते हैं। लेकिन एक बिंदु पे जाने के बाद आय जो है वो बहुत तेजी से बढ़ जाता है, लेकिन आय की अपेक्षा कर के अनुपात में कमी आ जाती है, तो उसे ही अधोगामी कर प्रणाली बोलते हैं, और भारत में इसी प्रकार की कर प्रणाली विद्यमान है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि अधोगामी कर प्रणाली का मतलब ये होता है कि दो अवस्थाएं इसमें पाई जाती हैं। पहली अवस्था तो ये है कि जब किसी व्यक्ति की आय में वृद्धि होती है तो जिस अनुपात में आय बढ़ता है उसी अनुपात में कर का दर भी बढ़ जाता है, लेकिन एक बिंदु पे आने के बाद उसकी आय बहुत तेजी से बढ़ जाती है और उतनी तेजी से कर का अनुपात नहीं बढ़ता है, तो इसे ही अधोगामी कर प्रणाली कहा जाता है। और अनुपातिक कर प्रणाली क्या होता है, जैसे अप्रत्यक्ष कर हो गया, जैसे आप कोई भी वस्तु खरीदते हैं ना, तो चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सबके ऊपर समान रूप से लगेगा। प्रगतिशील कर प्रणाली में क्या होता है कि जैसे आपकी आय बढ़ती है उसी अनुपात में कर का दर भी बढ़ता है। और प्रतिगामी कर प्रणाली के अंतर्गत क्या होती है कि आपकी आय तेजी से बढ़ती है लेकिन उस अनुपात में आपकी कर की दर नहीं बढ़ती है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला, ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कि राजकोषीय नीति के उपकरण निम्न में से कौन सा नहीं है। बिल्कुल ठीक है, राजकोषीय नीति का इसमें से कौन सा उपकरण नहीं है, बिल्कुल ठीक है। क्या उत्तर आ रहा है भाई, एक सेकेंड, ठीक है। और जो लोग भी एडमिशन ले रहे हैं भाई, आप मुझे कॉल वो व्हाट्सएप पे मैसेज दे दीजिए, सेंड कर दीजिएगा, जहाँ पे आपने फीस पेमेंट किया है उसी व्हाट्सएप नंबर पे आप वो उसका स्क्रीनशॉट सेंड कर दीजिएगा, आपको अभी कुछ देर में एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। चलिए क्या उत्तर आ रहा है कि राजकोषीय नीति का उपकरण कौन नहीं है। देखिए दोस्तों, जो राजकोषीय नीति होता है ये क्या होता है, ये सरकार के आय और व्यय का विवरण होता है, अर्थात राजकोषीय नीति का संबंध किससे होता है, सरकार से होता है, किससे होता है, सरकार, अर्थात सरकार कहाँ से आय अर्जित कर रही है और सरकार कहाँ पे व्यय कर रही है, इसी का तो लेखा जोखा होता है ना। राजकोषीय नीति के अंतर्गत सरकार इन्हीं सारी चीज़ों का तो लेखा जोखा लगाती है। और लेकिन अगर जो खुले बाजार की क्रियाएं की बात करें तो ये कौन करता है, ये आरबीआई, ठीक है। और आरबीआई खुले बाजार की क्रियाओं को अपना करके अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा की कमी या मुद्रा की मात्रा की बढ़ोतरी कर सकता है। तो जब मुद्रा की मात्रा की कमी करनी होती है अर्थव्यवस्था में, अर्थात मुद्रा की पूर्ति घटानी होती है, कब घटानी होगी, जब मुद्रा स्फीति की स्थिति विद्यमान हो, तो जब अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति घटानी होती है तो वो खुले बाजार की क्रियाओं के अंतर्गत क्या करता है कि प्रतिभूतियों का विक्रय करता है, ताकि जब वो प्रतिभूतियाँ बिकेंगी तो क्या होगा कि उससे जो मुद्रा का प्रवाह है वो आरबीआई की तरफ चला जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अगर जो अर्थव्यवस्था में मंदी की स्थिति विद्यमान है तो ऐसी स्थिति में वो प्रतिभूतियों का क्रय करेगा, ठीक है, जिससे क्या होगा कि उसे मुद्रा त्यागना पड़ेगा, अर्थात अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ाई जाएगी। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। अगला प्रश्न, ठीक है, कि गुणक की केंसियन अवधारणा के प्रवाह को व्यक्त करती है, थोड़ा आराम से बताइएगा सर,
थोड़ा आराम से इस प्रश्न का उत्तर करिए और सभी लोग एक बार वीडियो को पहले लाइक कर दीजिए, एक बार वीडियो को लाइक शेयर सभी लोग कर दीजिए। इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। सभी लोगों से निवेदन है कि एक बार पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर जरूर कर दिया करिए। डी बोल रहे हैं सभी लोग डी बोल रहे हैं। डी के अलावा कोई नहीं है। क्यों डी बोल रहे हैं? क्योंकि गुणक की केंसियन अवधारणा की बात हो रही है, तो आय जो होता है वो तो किस पे आय पर निवेश की ही तो बात होती है ना, कि जब अर्थव्यवस्था में निवेश की मात्रा बढ़ाई जाती है तो उससे आय क्या होता है कि जितना निवेश बढ़ाया जाता है उससे के गुना वृद्धि हो जाती है। अर्थात ये कहते हैं ना कि जब अर्थव्यवस्था में निर्यात बढ़ाए जाते हैं, निर्यातों की मात्रा कई तरीके से बात बताते हैं, उसमें से एक तरीका ये है कि सबसे पहले कहते हैं कि जब अर्थव्यवस्था में निवेश बढ़ता है तो उससे जितना निवेश बढ़ाया जाता है उससे कई गुना वृद्धि आय में हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ कहते हैं कि अर्थव्यवस्था में जब निवेश बढ़ाया जाएगा तो उससे जो देश की राष्ट्रीय आय होगी, जब निवेश बढ़ेगा तो जितना अर्थव्यवस्था में निवेश बढ़ाया जाएगा उसका के गुना वृद्धि जो है वो राष्ट्रीय आय में होगी। अर्थात निवेश का स्तर जो है वो कम होगा और राष्ट्रीय आय में वृद्धि ज्यादा होगी। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न कि उत्पादक का अतिरेक किसके बीच के अंतर को बताता है। उत्पादक का अतिरेक आपसे पूछ रहा है, सर बताइए उत्पादक के अतिरेक की बात कर रहा है। बिल्कुल ठीक है, उत्पादक का अतिरेक किसके बीच के अंतर के बराबर होता है। इजी सी बात है, थोड़ा आराम से करिएगा इस प्रश्न को सर, थोड़ा सा आराम से इस प्रश्न को करिएगा। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ क्या बोल रहे हैं सर, बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं। तो जितने भी महानुभाव सी बोलेंगे क्या ठीक बोलेंगे। ठीक है, और कोई बिल्कुल उत्पादक के अतिरेक की बात कर रहा है क्या ये। हाँ ठीक है, उत्पादक के अतिरेक की बात कर रहा है, बिल्कुल ठीक है। तो क्या उत्तर आ रहा है, ए सी। तो जितने लोग भी सर कीमत एवं सीमांत लागत वक्र की बात बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आपको याद आना चाहिए कि उत्पादक के अतिरेक या उत्पादक के अतिरेक की बात हो रही है, तो उत्पादक का जो अतिरेक होता है वो वस्तु की कीमत और जो सीमांत लागत होती है उसी के बीच का अंतर होता है। तो जितने लोग भी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे जितने लोग भी ए बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक। अब उत्पादक का अतिरेक क्या होता है, जिसे आप जानते हैं ना कि एक होता है उपभोक्ता का अतिरेक। तो उपभोक्ता का अतिरेक का मतलब ये होता है कि कोई वस्तु, एक व्यक्ति किसी वस्तु को परचेज करने के लिए, खरीदने के लिए जो मूल्य देने को तैयार है और वास्तविक रूप से जो मूल्य देता है उसे ही उपभोक्ता का अतिरेक कहा जाएगा। लेकिन यहाँ पे उत्पादक की बात हो रही है, यहाँ पे उपभोक्ता की नहीं। उपभोक्ता वो होता है जो उपभोग करता है और उत्पादक वो होता है जो किसी वस्तु को बनाता है। ठीक है, तो उत्पादक का अतिरेक क्या होता है, तो उत्पादक के अतिरेक का मतलब ये होता है कि एक उत्पादक किसी वस्तु को जिस मूल्य पे बेचने को तैयार होता है और वास्तविक में जिस मूल्य पे वो बेचता है उसी के बीच का अंतर ही उत्पादक का अतिरेक कहा जाता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला कि बजट प्रभाव से क्या आशय है। बिल्कुल ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कि बजट प्रभाव से आशय क्या है। चलिए, बजट प्रभाव से आशय क्या होता है सर, बिल्कुल ठीक है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ ये बोल रहे हैं इजी सी बात है भैया, बजट प्रभाव क्या होता है, इसके अंतर्गत क्या करता है, बजट के माध्यम से सरकार क्या करता है, बजट होता क्या है। तो भैया बजट जो होता है वो सरकार के आय और व्यय का वार्षिक वित्तीय विवरण होता है। बजट क्या होता है, सरकार के आय और व्यय का। सरकार आय कहाँ से प्राप्त करेगा, सरकार आय अर्जित करेगा
कर के माध्यम से, टैक्स के माध्यम से और ऋण के माध्यम से, वो आंतरिक ऋण हो सकता है या बाह्य ऋण हो सकता है। और सरकार व्यय कहाँ पे करेगा, जैसे देश की आधारभूत संरचना बेहतर करने में, जैसे शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, परिवहन पे, बिजली पे, अन्य कल्याणकारी योजनाओं पे। तो जितने लोग भी ए बोलेंगे सर, सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा कि आय की वितरण पर सरकारी व्यय। तो ऑप्शन नंबर ए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न, क्या उत्तर आ रहा है भाई? बिल्कुल ठीक है। एक्चुअली पता है यहाँ पे कुछ लोग कंफ्यूज होंगे, इसमें ये होना चाहिए कि आय के वितरण की असमानता को कम करना, ठीक है, या आय के वितरण की असमानता कम करना सरकारी व्यय के माध्यम से, इस तरीके से हो सकता था तो ज्यादा आपको समझ में आता ये प्रश्न, ठीक है, लेकिन फिर भी समझ लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, ये जितने लोग भी गुड इवनिंग करते आ रहे हैं, भैया आप 7 बजे से कहाँ हैं, अब बीच से क्लास आप लोग ज्वाइन करेंगे सर तो कैसे मजा आएगा। पूरा अगर जो आपको पूरा लाभ, मतलब आपको बेस्ट आउटकम चाहिए, अच्छा रिजल्ट चाहिए, तो आपको पूरी क्लास करनी पड़ेगी। भाई मैं बार बार बोलता हूँ कि पूरी क्लास जरूर देखिए, आज का सेशन इतना महत्वपूर्ण था, बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रश्न जो थे वो आपने स्किप कर दिया। चलिए कोई बात नहीं, अगला प्रश्न आपके सामने रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन, रिकॉर्डेड में देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन श्रीमती जॉन रॉबिन्सन की समृद्धि मॉडल में स्वर्णिम युग साम्य के लिए सही नहीं है। इजी सी बात है सर, बिल्कुल ठीक है, श्रीमती जॉन रॉबिन्सन की बात हो रही है। स्वर्णिम युग कहाँ पे कहा था उन्होंने, डेल्टा के अपान के इज इक्वल टू डेल्टा एन अपान एन। क्या है भाई ये डेल्टा के अपान के क्या है और डेल्टा एन अपान एन क्या है, कमेंट करके बताइए आप मुझे, आप सभी लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या होता है ये। बिल्कुल ठीक है। तो क्या उत्तर आ रहा है भाई, चलिए थोड़ा आराम से किया करिए, क्या बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं, क्या ठीक बोल रहे हैं। द एक्युमुलेशन ऑफ कैपिटल उनकी एक पुस्तक थी, उसी पुस्तक में इन्होंने स्वर्णिम युग की बात किया था और कहा था कि अगर जो डेल्टा के अपान के इज इक्वल टू डेल्टा एन अपान एन जहाँ पे बराबर हो जाएगा वहाँ पे अर्थव्यवस्था में स्वर्णिम युग आ जाएगा, अर्थात अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार स्थापित हो जाएगा। पूर्ण रोजगार स्थापित होने का मतलब क्या है कि उस अर्थव्यवस्था में जो भी प्राकृतिक और भौतिक संसाधन है उन प्राकृतिक और भौतिक संसाधनों का प्रयोग करके हम अपने उत्पादन को क्या कर सकते हैं, अधिकतम कर चुके हैं, अब इससे ज्यादा उत्पादन को नहीं बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो क्या उत्तर आ रहे हैं, तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कि लाभ के दर के बढ़ने की प्रवृत्ति होती है, ठीक है, और ये पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है। तो लाभ के दर में बढ़ने की प्रवृत्ति विद्यमान नहीं होती है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक है। बाकी अन्य मान्यताएं भी आपको याद होनी चाहिए, जैसे कि ये बंद अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, ये किसकी बात करते हैं, ये बंद अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, अर्थात बंद अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था होती है, ऐसी अर्थव्यवस्था जो किसी भी प्रकार का आर्थिक संबंध दूसरे देशों से न रखता हो, जैसे कि उत्तर कोरिया है, वो किसी भी प्रकार की वस्तु का निर्यात आयात दूसरे देशों से नहीं करता। तो इन्होंने कहा था कि बंद अर्थव्यवस्था है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा कि उत्पादन के दो साधन है, एक होता है श्रम और दूसरा होता है पूंजी, ठीक है। चलिए तो और आगे बढ़ते हैं, अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि आर्थिक विकास के सिद्धांत में केंद्रीय समस्या उस प्रक्रिया को समझना चाहिए जिसके द्वारा कोई समुदाय जो पहले अपनी राष्ट्रीय आय का 4-5% या उससे भी कम बचत कर रहा था अपने आप को ऐसी अर्थव्यवस्था में बदल लेता है जब स्वैच्छिक बचत राष्ट्रीय आय का लगभग 12-15% या अधिक हो रही है, तो निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने यह विचार व्यक्त किया। अब बताइए बिना कॉन्सेप्ट पढ़े ये कैसे होगा, कॉन्सेप्ट तो पढ़ना पड़ेगा। चलिए सर बताइए क्या उत्तर आ रहा है, बिल्कुल ठीक है,
बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, क्या उत्तर आ रहा है भाई? डी बोल रहे हैं सभी लोग, सभी लोग डी बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर ये बिल्कुल ठीक है। अब आर्थर लेविस का आपको द्विक्षेत्रीय मॉडल पढ़ना पड़ेगा, जिसके अंतर्गत उन्होंने क्या दिया था, उन्होंने कहा था ना कि अर्थव्यवस्था में दो क्षेत्र हैं, एक कृषि क्षेत्र है और दूसरा औद्योगिक क्षेत्र है। कृषि क्षेत्र में श्रमिकों का अतिरेक पाया जाता है, अर्थात जितने श्रमिक कृषि क्षेत्र में चाहिए उत्पादन के लिए, उससे ज्यादा श्रमिक लगे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में जो कृषि में श्रम का अतिरेक है, श्रमिकों को क्या करिए कि आप उद्योगों के तरफ तब तक पलायित करिए, इनको उद्योगों में तब तक आप भेजिए जब तक श्रम का अतिरेक खत्म नहीं हो जाता। और जैसे ही श्रम का अतिरेक खत्म हो जाएगा, वैसे ही देश आर्थिक विकास के पथ पे अग्रसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि निम्नलिखित में से किसको रोस्टो ने आर्थिक समृद्धि के चरण मॉडल में तीसरा चरण कहा? द स्टेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इन्होंने एक पुस्तक लिखा था, द स्टेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, द स्टेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ में उन्होंने एक पुस्तक लिखा था रोस्टो साहब ने, और उन्होंने कहा था कि देखिए कोई भी अर्थव्यवस्था है, ठीक है, किसी भी प्रकार की अर्थव्यवस्था है, उस टाइम वो भारत चीन पाकिस्तान की बात नहीं किए, लेकिन जो वो थियरी दिए वो बिल्कुल सही है। कोई भी अर्थव्यवस्था हो, चाहे भारत हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे चीन हो, कोई भी अर्थव्यवस्था हो, तो उसे पांच चरणों से होकर के गुजरना पड़ेगा। पहला चरण क्या होगा? परंपरागत समाज होगा, जहाँ पे अर्थात जहाँ पे अर्थव्यवस्था में मंदी होगी, जहाँ पे मांग व पूर्ति का स्तर निम्न होगा। दूसरा चरण वो होगा जहाँ जो जिसे उन्होंने आत्मस्फूर्ति की पूर्व की अवस्था कहा, अर्थात यहाँ पे अर्थव्यवस्था में थोड़ी बहुत आर्थिक क्रियाएं संचालित होने लगेंगी। तीसरी अवस्था को उन्होंने बताया आत्मस्फूर्ति की अवस्था, अर्थात अब यहाँ पे मांग व पूर्ति क्या हो रहे हैं, क्रियाशील हो रहे हैं, उत्पादन का स्तर बढ़ रहा है। और चौथा उन्होंने बताया परिपक्वता की ओर अग्रसर, अब यहाँ पे अर्थव्यवस्था समृद्धि की तरफ पे अग्रसर है। और जो पांचवी अवस्था है वो है उच्च उपभोग, या इसे ही उन्होंने समृद्धि की अवस्था कहा। तो इस समृद्धि की अवस्था जिसे देखिए, जो विकसित देश है वो तो प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन जो अल्प विकसित देश हैं या जो विकासशील देश हैं, वो अभी भी यहाँ नहीं तो यहाँ नहीं तो यहाँ फंसे हुए हैं। ठीक है, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोलेंगे कि तीसरा जो चरण होगा वो किसका चरण होगा, वो उड़ान का चरण होगा, ठीक है, अर्थात आत्मस्फूर्ति का चरण होगा। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। भारत की अर्थव्यवस्था अभी कहाँ पे है बताइए, किस चरण में भारत की अर्थव्यवस्था है, भारत की अर्थव्यवस्था किस चरण में है बताइए कमेंट करके मुझे। बिल्कुल ठीक है कि निम्नलिखित में से किस वक्र का इस्तेमाल जनसंख्या विकास की दीर्घकालीन वृद्धि को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है? चलिए क्या उत्तर आ रहा है सर? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, क्या उत्तर आ रहा है भाई, क्या उत्तर आ रहा है? बी बोल रहे हैं, बी के अलावा कोई और, बी के अलावा कोई नहीं है, सॉरी, बी के अलावा कोई नहीं है, बी के अलावा कोई भी नहीं है। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं, क्या ठीक बोल रहे हैं? ठीक बोल रहे हैं, और कोई ऐसा है जो बी के अलावा बोल दे? ठीक है, कोई है क्रांतिकारी टाइप का? कोई क्रांतिकारी टाइप का है जो बी के अलावा बताए कुछ? कोई क्रांतिकारी नहीं है, ठीक है। तो अगर जो कोई क्रांतिकारी नहीं है तो ठीक है भाई, कि निम्नलिखित में से किस वक्र का इस्तेमाल जनसंख्या विकास की दीर्घकालीन वृद्धि को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है? तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, लॉजिस्टिक वक्र, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। तो याद रखिएगा कि जनसंख्या विकास की दीर्घकालीन वृद्धि जो है वो किस वक्र के माध्यम से प्रदर्शित होती है, तो वो लॉजिस्टिक वक्र के माध्यम से प्रदर्शित होती है। अर्थात लॉजिस्टिक वक्र के माध्यम से ये बताया गया है कि दीर्घकाल में, दीर्घकाल का मतलब क्या, जहाँ 20 साल या 50 साल की बात होगी, 20 साल या 50 साल में उस देश की जनसंख्या की विकास की दर क्या रही है। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला कि जनसंख्या विस्फोट का अर्थ है, ये तो बच्चों वाली बात है। देखिए दोस्तों,
जनांकीय संक्रमण सिद्धांत जो दिया गया उसमें कहा गया कि जो जनसंख्या होगा ना उसके तीन चरण होंगे। जनसंख्या के कितने चरण होंगे? तीन चरण होंगे, जहां पे पहली अवस्था में जो देश होगा वो क्या होगा? अल्प विकसित होगा। और यहाँ पे क्या होगा कि जन्म दर भी ज्यादा होगा, ठीक है, लोग ज्यादा बच्चा पैदा करेंगे। इसलिए ज्यादा बच्चा पैदा करेंगे कि हमारे बच्चे ज्यादा होंगे तो गांव में हमसे कुछ कोई झगड़ा नहीं कर पाएगा, विवाद नहीं कर पाएगा, हमारी जमीन को कब्जिया नहीं पाएगा। ऐसा होता था 20-25-30 साल पर, मतलब अपने जस्ट जनरेशन से एक दो जनरेशन पहले जाइए, आप देखिए लोगों के 5-5 बच्चे, 10-10 बच्चे होते थे। क्यों लोग करते थे इतने बच्चे? क्योंकि भैया ज्यादा रहेगा तो ज्यादा लाठी हमारे पास होगी, ठीक है। उसके बाद जब बच्चे पैदा लोग ज्यादा करते हैं तो चूंकि अर्थव्यवस्था मंदी में रहती है, और जब मंदी में रहती है तो मृत्यु दर भी ज्यादा होगा, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है, निरक्षरता विद्यमान है ना। तो जब लोगों को पता ही नहीं है, पता चले कि यूरिया डालने खेत में गए और कहीं से हाथ में कट के यूरिया लग गया, रात में सोए सुबह तक निपट गए, तो क्या होता था कि मृत्यु दर भी ज्यादा होता था, क्योंकि लोगों को ज्ञान ही नहीं था। पता चले कि खेत गए यूरिया डालने, कहीं से कट के यूरिया हाथ में लग गया, सुबह उठे तब तक क्या हुआ कि मामला दूसरा हो गया। तो ऐसा होता था, अब तो भाई शिक्षा हो गया, आप सबको पता है। उसके बाद जो दूसरी कंडीशन है वो ये होती है कि अब अर्थव्यवस्था विकासशील अर्थव्यवस्था हो जाती है, जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे अभी भी लोग बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं, ठीक है, क्योंकि स्टिल क्या है, निरक्षरता ज्यादा है। लेकिन फिर क्या होता है कि मृत्यु दर में कमी आ जाती है, मृत्यु दर में कमी आ जाती है। क्यों कमी आ जाती है? इसलिए कमी आ जाती है क्योंकि अब लोगों को पता चल गया कि कम से कम सरकारी हॉस्पिटल तो है, प्राइवेट हॉस्पिटल तो है, सबको पता है। उसके बाद जो तीसरा है वो क्या है कि अब हम विकसित हो जाते हैं, अर्थात हमारी अर्थव्यवस्था जब विकसित हो जाएगी तो अब लोगों को लगेगा कि भैया एक लड़का पैदा कर लो या एक लड़की पैदा कर लो, काम चल जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि जन्म दर में कमी आ जाती है और मृत्यु दर में भी कमी आ जाती है, ठीक है, मृत्यु दर में भी कमी आ जाती है। तो दो बात याद रखिएगा, ये है दोस्तों जनसंख्या विस्फोट की स्थिति और ये है जनसंख्या की आदर्श स्थिति, ठीक है। तो जनसंख्या वृद्धि की आदर्श स्थिति जो होती है वो तीसरी अवस्था होती है, और जो जनसंख्या विस्फोट की अवस्था है वो दूसरी अवस्था होती है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं कि जन्म दर और मृत्यु दर का अंतर बढ़ना, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, क्या उत्तर आ रहा है भाई कि 2011 के अनुसार भारत का अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा था? चलिए क्या उत्तर होगा, सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करिए। और दोस्तों लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे आपकी इकोनॉमिक्स की दूसरी क्लास हो रही है, जहाँ पे आपको सिंपल सटीक साधारण भाषा में इकोनॉमिक्स के सभी कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं, अलग अलग बैचेज चल रहे हैं। मैं आपको जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि अगर जो आप एप्लीकेशन पे ठीक तरीके से जितने भी कंटेंट आपको दिए जा रहे हैं उसको फॉलो कर रहे हैं, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहे, तो बहुत ही कम समय में इकोनॉमिक्स को आप सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। अलग अलग बैचेज चल रहे हैं, सभी बैचेज में आपके सिलेबस के अनुसार इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट सिंपल सटीक साधारण भाषा में पढ़ाए जाते हैं। इनकेस अगर जो आप लाइव क्लास में नहीं जुड़ पाए, इसकी लाइव क्लास होती है, अगर जो लाइव क्लास में नहीं जुड़ पाएंगे तो बाद में आपको रिकॉर्डेड क्लास भी मिल जाएगा, ताकि आप अपने समय के अनुसार क्लास को देख पाएं। साथ ही साथ दोस्तों आपको कंप्लीट वहां पे इकोनॉमिक्स के नोट्स भी दिए जा रहे हैं, ताकि आप एक तरफ कॉन्सेप्ट को पढ़ते रहे, दूसरी तरफ इकोनॉमिक्स के नोट्स के माध्यम से रिवीजन करते रहे। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो उनके पास इकोनॉमिक्स की नोट्स तो होती है लेकिन समझ में ही नहीं आता है कि उसमें पढ़ना क्या है, छोड़ना क्या है। मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके पास नोट्स तो होता है लेकिन वो नोट्स इतना लेंदी होता है, इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है कि समझ में ही नहीं आता है कि उसमें लिखा क्या है और किस तरीके से इसे पढ़ना है, किस तरीके से इसे समझना है। तो आपको यहाँ पे सिंपल सटीक साधारण भाषा में नोट्स भी दिया जा रहा है, आपको टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है, समय समय पर टेस्ट दीजिए, अपना इवैल्यूएशन करिए कि आखिरकार तैयारी कैसी चल रही है, एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, और जो गलती हो रही है उस गलती को पहचानिए, उसको सही करिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए जिससे एक्यूरेसी आपकी बेहतर हो। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं। एडमिशन ओपन है और कोर्स की वैलिडिटी लाइफ टाइम है, इट मीन्स अगर जो आप एक बार एडमिशन लेते हैं तो वर्तमान परीक्षा के लिए तो आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, साथ ही साथ इन फ्यूचर में जब भी कोई नई वैकेंसी आएगी उसके लिए अगर जो आप तैयारी करना चाहेंगे तो आपको उस नए बैच में ऑटोमेटिक ऐड कर दिया जाएगा, आपको अलग से कोई फीस पेमेंट करने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है।
एडमिशन ओपन है, एडमिशन की फीस केवल और केवल 2000 रुपये है। तो आप सिंपली गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से अपनी फीस इस नंबर पे पेमेंट करके इसका स्क्रीनशॉट इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर देंगे तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं, तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। देखिए दोस्तों, बिहार के संदर्भ में दो बातें याद रखिएगा, जनसंख्या घनत्व की अगर जो बात करें और निरक्षरता की बात करें, ठीक है, निरक्षरता की बात करें तो निरक्षरता में भी बिहार नंबर वन पे है और बिहार जनसंख्या घनत्व पर भी नंबर वन पे है। निरक्षरता की बात करें तो शायद 62% साक्षरता पाई जाती है क्या बिहार में, ठीक है, थोड़ा बहुत हो सकता है कि मैं स्किप कर रहा हूँ, लेकिन हमारी समझ से 60% के आसपास ही साक्षरता है, अर्थात लगभग मान के चलिए कि 100 लोगों में से 35 लोग ऐसे हैं जो अभी भी पढ़े लिखे नहीं हैं, ठीक है, जो क्या है, एक गंभीर समस्या है। अगला कि आधुनिक आर्थिक विकास के विचार को विकसित करने का श्रेय निम्न में से किसको जाता है। बिल्कुल ठीक है, क्या उत्तर आ रहा है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, सी किसी ने बताया नहीं बिहार के बारे में भाई, बिल्कुल ठीक है, खाली ए बी सी डी लिखने थोड़ी आए यहाँ पे, कितने सारे लोग हैं, इतने लोग ए बी सी डी लिख रहे हैं, जो पूछ रहा हूँ बीच बीच में क्यों नहीं बता रहे भाई। हाँ, ऑप्शन नंबर सी, और कोई, सभी लोग सी बोल रहे हैं, सी के अलावा कोई नहीं है, बिल्कुल ठीक है, सभी लोग सी बोल रहे हैं, और कोई सी के अलावा कोई नहीं है, तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है, साइमन कुज़नेटर साहब, ठीक है। तो आधुनिक आर्थिक विकास के विचार को किसने विकसित किया, तो वो किसने किया था, साइमन कुज़नेटर साहब ने विकसित किया था, और इन्हें दोस्तों 1971 में नोबल प्राइज भी मिला था। तो याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है कि किस अर्थशास्त्री को अर्थशास्त्र में नोबल पुरस्कार मिला था, तो दोस्तों साइमन कुज़नेटर साहब जी को मिला था 1971 में। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न, मूल्य बढ़ाव स्थिति का सिद्धांत किसने दिया। इजी सी बात है, एक बात और कमेंट करके बताइएगा आप मुझे, अधिकतम बिक्री का सिद्धांत किसने दिया, ये तो मूल्य बढ़ाव स्थिति का सिद्धांत है ना, अधिकतम बिक्री का सिद्धांत किसने दिया, किसने कहा कि आपको अपने लाभ को बढ़ाने की जरूरत नहीं है, आपको अपने वस्तुओं को अधिक बेचने का, आपको अपने लाभ को अधिकतम करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, आपको ये प्रयास करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुओं को बाजार में किस तरीके से बेचा जाए, कमेंट करके बताइएगा। बिल्कुल ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या बोल रहे हैं भैया, ये सभी लोग बोल रहे हैं, गार्डनर एकले बोल रहे हैं, और कोई एकले साहब के अलावा कोई है, कोई भी नहीं है। तो जितने लोग भी एकले को बोलेंगे सभी लोग का उत्तर यहाँ पे क्या होने वाला है, बिल्कुल ठीक होने वाला है, कि देखिए सर, मूल्य बढ़ाव स्थिति का जो सिद्धांत दिया था वो गार्डनर एकले ने दिया था और बोमल साहब ने दिया था, बोमल साहब ने कौन सा दिया था, अधिकतम बिक्री का सिद्धांत, ठीक है। इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा कि देखिए भैया, आप अधिक से अधिक वस्तुओं को बेचने का प्रयास करिए, आप लाभ अधिकतम लाभ मत कमाइए, आप अधिकतम वस्तुओं को बेचिए, ऑटोमेटिक लाभ अधिकतम हो जाएगा। अगला, आर्थिक समानता के अनुकूल स्थितियां निर्मित करने और सांप्रदायिक समरसता प्राप्त करने के लिए महात्मा गांधी द्वारा इनमें से किस कार्यक्रम का सुझाव दिया गया। खूबसूरत सा प्रश्न है, चलिए भाई बताइए, बिल्कुल ठीक है, पारस कुमार जी, शत्रुघ्न प्रसाद जी, बिल्कुल ठीक है, अर्चना कुमारी जी, कविता जी, बिल्कुल ठीक है, लाल बहादुर जी, ललिता जी, दुर्गा देवी जी, अक्षय गौरी जी, सतीश कुमार गुप्ता जी, अस्मिता जी, ठीक है, रीता कश्यप जी, बबीता जी, सदानंद मिश्रा जी, तस्नीम खान जी, अभी चौधरी जी, बिल्कुल ठीक है, सभी लोग का नाम पढ़ना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। सी बोल रहे हैं क्या सर, सभी लोग सी बोल रहे हैं क्या, सी के अलावा कोई और है,
तो जितने लोग भी सी बोलेंगे सर, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सर्वोदय कार्यक्रम की शुरुआत महात्मा गांधी जी ने कहा था किया था, और सर्वोदय कार्यक्रम के अंतर्गत उन्होंने कहा था कि हमें सबका विकास करना, सभी का उदय करना है। ठीक है, तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर। फिर याद आ जाना चाहिए कि महात्मा गांधी जी ने कहा था कि गांवों का मोक्ष जो है वो लघु एवं कुटीर उद्योग में निहित है, अर्थात अगर जो गांवों का विकास करना है तो उसमें लघु एवं कुटीर उद्योग का विकास करना जरूरी है। ग्रामीण क्षेत्र में अगर जो बेरोजगारी और गरीबी की समस्या से निदान पाना है तो हमें लघु एवं कुटीर उद्योग का विकास करना चाहिए। और एक प्रश्न और ध्यान में रखिएगा कि अगर जो देश में आय की असमानताओं को समाप्त करना है तो उसका सबसे प्रभावी उपाय जो होगा वो कौन सा होगा, वो लघु एवं कुटीर उद्योग का विकास करना होगा। ठीक है, शायद उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा हुई थी, उसी परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया था कि ये बताइए कि आर्थिक विषमता को दूर करने के लिए महात्मा गांधी जी ने कौन सा विचार दिया था, या आर्थिक विषमता को दूर करने का सबसे प्रभावी उपाय क्या है, तो लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास करना। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न कि जीएनपी और जीडीपी का अंतर क्या होता है। मैं एक लाइन में बताऊंगा, आपको पूरी जिंदगी भर भूलेगा नहीं ये प्रश्न, बस मेरी बात को सुनिएगा ध्यान से, कंसंट्रेशन का लेवल थोड़ा सा ठीक ठाक करिए, है ना, हमेशा मोबाइल में नहीं लगे रहिए। एक बात मैं बता रहा हूँ, बहुत गौर से सुनिएगा, जिंदगी में कुछ हासिल करना अगर जो चाहते हैं तो कभी भी वो काम मत करिएगा कि मोबाइल लेकर के सो गए और 3 घंटे तक स्क्रॉल कर रहे हैं, 3 घंटे तक स्क्रॉल कर रहे हैं, कहीं पे हिंदी गाना देख रहे हैं, कहीं भोजपुरी गाना देख रहे हैं, कहीं पे कुछ देख रहे हैं, कहीं कॉमेडी देख रहे हैं। ये एक आदत है, बहुत गंदी आदत, नशा है, जो आपके दिमाग को थका देगी, आपके आँख को थका देगी, सोचने समझने की क्षमता कम कर देगी। तो भैया आप अपनी सारी ऊर्जा जब मोबाइल में गंवा देंगे तो आप पढ़ाई पे कहाँ अपनी ऊर्जा लगा पाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो पढ़ने बैठेंगे तो पहले 10 मिनट टिकटॉक वाला वीडियो देख लिया जाए, नहीं कुछ तो थोड़ा मोटिवेशन ही देख लिया जाए, लेकिन वो थोड़ा देखने के चक्कर में थोड़ा थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, और जब ज़्यादा होता है तो ज़्यादा मोबाइल देखते हैं, ज़्यादा स्क्रीन आप देखते हैं तो आपकी आंखें थक जाती है, जब आंखें थक जाती है तो माइंड कंसंट्रेट नहीं होता, फिर आपके दिमाग में फ्रस्ट्रेशन, अन्य प्रकार की इधर उधर की भ्रांतियां विकसित होती हैं। तो कभी भी भैया पढ़ने बैठिए तो बस पढ़ने बैठिए, ठीक है, जब तक आप ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं तब तक तो ठीक है, अदरवाइज ठीक है टिकटॉक हो गया और सारी चीज़ें हो गई, तो आप एक घंटे कभी भी 24 घंटे में से 1 घंटे समय लगा करके उस पर समय दिया करिए। ठीक है, चलिए क्या उत्तर आ रहा है भाई, कि जीएनपी और जीडीपी में अंतर की बात हो रही है। तो देखिए दोस्तों, जीडीपी का मतलब ये होता है कि हमारे देश की जो भौगोलिक सीमा है ना, उस भौगोलिक सीमा के अंदर, हमारे देश की भौगोलिक सीमा के अंदर जितनी भी वस्तुओं और जो भी वस्तुएं और सेवाएं हैं उसके मौद्रिक मूल्य को ही हम क्या बोलते हैं, जीडीपी बोलते हैं, सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, अर्थात सकल घरेलू, डी क्या होता है, डोमेस्टिक होता है, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब घरेलू उत्पाद की बात हो रहा है। इट मीन्स हमारी भौगोलिक सीमा के अंदर जिन भी वस्तुओं और जो भी वस्तुएं और सेवाएं हैं उसी का मौद्रिक मूल्य जीडीपी होता है। जीडीपी की जब गणना करते हैं तो अपने देश से बाहर निर्मित वस्तुएं को काउंट नहीं करते हैं, लेकिन जब जीएनपी की बात करते हैं ना दोस्तों, तो यहाँ पे ऐसे भारतीय जो भारत के बाहर भी रह रहे हैं, ठीक है, जो भारत के बाहर भी रह रहे हैं, अर्थात वो भारतीय तो हैं लेकिन देश की भौगोलिक सीमा के अंदर वो काम नहीं कर रहे हैं, वो देश के बाहर भी काम कर रहे हैं, तो उनकी भी वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को जब शामिल किया जाएगा तो वो किसके अंतर्गत काउंट किया जाएगा, वो जीएनपी के अंतर्गत काउंट किया जाएगा। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं भैया, विदेशों से शुद्ध साधन आय के, तो सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला, ठीक है, चलिए, औस्फितिक एक तकनीकी है, औस्फितिक एक कैसी तकनीकी है भाई, बिल्कुल ठीक है, चलिए अगला प्रश्न ठीक है, बिल्कुल ठीक है, क्या उत्तर आ रहा है भाई,
देखिए परीक्षा को लेकर के मुझे पता है कि आप लोगों के मन में बहुत सारी चीज़ें हैं कि सर परीक्षा कब होगी। हालांकि आज ही मैं आयोग के तरफ गया हुआ था, कुछ प्रयास किया कि कहीं से कुछ पता चले कि उत्तर प्रदेश में टीजीटी पीजीटी की परीक्षा कब हो रही है, कहीं से कुछ ऐसा क्लू मिल जाए, लेकिन ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं है। ठीक है, लेकिन हाँ एक बात बार बार हो रही है। ठीक है, अब बहुत सारी चीज़ें हैं जो अफवाह भी हैं, लेकिन हाँ एक चीज़ तो सही है कि आपकी परीक्षा एक सेकेंड ठीक है, आपकी जो परीक्षा है उसका डेट कभी भी अनाउंस किया जा सकता है। ठीक है, आप ये मान के चलिए कि कभी भी एग्जामिनेशन डेट अनाउंस हो सकता है, एक बात समझ में आ रही है। चलिए बाकी कोई भी इंफॉर्मेशन मिलता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि औस्फितिक एक तकनीकी है। औस्फितिक किस प्रकार की तकनीकी होती है भाई बताइए। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं, तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सर सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि कीमत स्तर के परिवर्तन का समायोजन करती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला भैया जो आयोग आप लोगों का बना हुआ है ना, जहां पे मैं रहता हूं वहां से मात्र 2 या 3 मिनट का रास्ता है। जो आपका आयोग है उसके जस्ट पास ही मैं रहता हूं, इसीलिए मैं बोलता हूं कि देखिए जब भी कोई जेन्युइन न्यूज आएगी ना तो मैं आपको आवश्यक रूप से बताऊंगा कि आयोग से ऐसी न्यूज आ रही है। ठीक है, तो जो आपका आयोग है खास करके अगर जो उत्तर प्रदेश के लोगों की मैं बात करूं तो मैं बिल्कुल पास में हूं, 2 से 3 मिनट का रास्ता है, हम लोग कभी कभी चाय पीने के लिए भी उधर जाया करते हैं। चलिए क्या उत्तर आ रहा है भाई, बिल्कुल ठीक है, क्या उत्तर आया कि अवमूल्यन की सफलता हेतु आवश्यक शर्त क्या है। देखिए दोस्तों अवमूल्यन में क्या होता है कि अवमूल्यन क्यों दे कोई भी देश अवमूल्यन की विधि क्यों अपनाता है, तो अवमूल्यन का मतलब ये होता है कि मुद्रा का जो बाह्य मूल्य होगा वो कम हो जाएगा। मुद्रा का जो बाह्य मूल्य होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और मुद्रा का बाह्य मूल्य जब कम हो जाएगा ना, तो अब आप क्या करेंगे कि जब दूसरे देश में जब आप अपने वस्तु को बेचेंगे तो चूंकि आपकी मुद्रा का बाह्य मूल्य कम हो गया है तो दूसरे देश में जो जब आप निर्यात करेंगे ना तो निर्यात जो होगा वो क्या हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा। तो ऐसा देश करता है जब देखता है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उसकी वस्तुओं की मांग कम हो रही है तो देश अवमूल्यन करता है ताकि हम सस्ते वस्तुओं को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचें। और आयात जो होंगे दोस्तों वो क्या होंगे, महंगे हो जाएंगे। आयात जो होगा वो क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपकी मुद्रा का बाह्य मूल्य कम हो गया है, अर्थात अब उसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए अब आपको ज्यादा मुद्रा देना पड़ेगा। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं कि निर्यात आयात की लोच इकाई से अधिक हो, अन्य सरकारों द्वारा प्रतिकार न किया जाए और निर्यात हेतु अतिरिक्त उत्पादन की उपलब्धता हो, तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। निर्यात आयात की लोच इकाई से अधिक हो, इसका मतलब क्या हो कि हम लोग निर्यात ज्यादा से ज्यादा करें, अन्य देशों द्वारा प्रतिकार न किया जाए। इसका मतलब क्या कि अगर जो आप अवमूल्यन कर दें तो ऐसा ना है कि वो भी देश अवमूल्यन कर दे। ठीक है, दोनों देश साथ में अवमूल्यन कर देंगे तो आपके अवमूल्यन करने का कोई फायदा नहीं निकलेगा। और निर्यातों हेतु अतिरिक्त उत्पादन की उपलब्धता, मतलब जिन वस्तुओं का आप उत्पादन कर रहे हैं उसको निर्यात करने के लिए आपके पास बड़ी पैमाने पे वस्तु होनी चाहिए। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला, अलेक्जेंडर हैमिल्टन और फ्रेडरिक लिस्ट, ठीक है, चलिए क्या उत्तर होगा भाई कि अलेक्जेंडर हैमिल्टन और फ्रेडरिक लिस्ट अंतरराष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में किस तर्क के साथ जुड़े हैं। इजी सी बात है, बच्चों वाली, बहुत छोटे से बच्चों वाली बात है, शिशु वाली बात है, ठीक है, शिशु उद्योग तर्क, बहुत आसान सी बात है, एक लाइन में बताऊंगा, कभी आपको भूलेगा नहीं, बस मेरी बात को सुन लीजिएगा। अलेक्जेंडर हैमिल्टन और फ्रेडरिक लिस्ट ये कहते हैं कि एक उद्योग है, ठीक है, अगर जो कोई उद्योग है, जैसे मान लीजिए कि साबुन उद्योग है, तो साबुन उद्योग में बहुत सारी फर्में हैं ना, जैसे लाइफ बॉय है, लक्स है,
लाइफ बॉय है, लक्स है, पियर्स है, ठीक है, डब है, ठीक है, डब है, यही तो साबुन होता है ना, ठीक है, मतलब जनरली जो हम लोग मिडिल क्लास के लोग यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर जो कोई एक नई फर्म, मान लीजिए कि आपने एक नई कंपनी स्थापित कर दी और आपने कहा कि अब हम भी क्या करेंगे कि साबुन को बेचेंगे, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जब आप उद्योग में एंट्री करेंगे ना, तो लक्स, पियर्स, डब इस प्रकार की जो कंपनियां है ना, वो ऑलरेडी अपनी वस्तुओं की अपने वस्तु की कीमत जो है उसको ऑलरेडी बहुत कम करके रखी हुई है। 10 रुपये का साबुन बेच रही हैं, 5 रुपये का साबुन बेच रही हैं, तो आपको भी क्या करना पड़ेगा, 10 रुपये का साबुन बेचना पड़ेगा। डजेंट मैटर कि करोड़ों रुपए का आपने टेक्नोलॉजी लगाया है कि पैसा कितना खर्च किया है। तो इसका मतलब अलेक्जेंडर हैमिल्टन यही बोलते हैं कि अगर जो कोई नई फर्म उद्योग में एंट्री करना चाहती है तो पुराने फर्म उद्योग में उसे एंट्री करने नहीं देंगे। तो ऐसी स्थिति में उन नए फर्मों को हमें क्या करना चाहिए, संरक्षण प्रदान करना चाहिए, इन्हें मोटिवेट करना चाहिए ताकि ये क्या कर सके, उद्योग में बना रह पाए। लेकिन इसके बाद आता है वेस्टिबल परीक्षण। तो वेस्टिबल परीक्षण क्या बताता है, वेस्टिबल परीक्षण ये कहता है कि देखिए भैया, एक फर्म को आप संरक्षण तभी दीजिए जब वो संरक्षण के काबिल हो, ठीक है, अर्थात उसे जब हेल्प की जरूरत हो तभी आप दीजिए, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अगला कि परंपरावादी समष्टि प्रणाली में धन की प्रमात्रा में वृद्धि के परिणाम स्वरूप क्या परिवर्तन होगा। चलिए क्या उत्तर होगा भाई, बिल्कुल क्या उत्तर आ रहा है, परंपरावादी समष्टि प्रणाली में धन की मात्रा, क्या उत्तर आ रहा है भाई, ऑप्शन नंबर डी बी, बहुत सारी विविधता आ रही है। सभी लोग एक बार लाइक तो कर दीजिए क्लास को, इतने सारे लोग क्लास देखते हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। सभी लोगों से निवेदन है कि एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप देखिए जितने लोग क्लास देख रहे हैं उसका 50% लोग भी लाइक नहीं किए। सभी लोगों से निवेदन है कि एक बार आप वीडियो को पहले लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। अगर जो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर दीजिए। क्या उत्तर आ रहा है सर, बिल्कुल ठीक है, डी बोल रहे हैं सभी लोग, सबको पता है। तो जितने भी महानुभाव डी बोल रहे हैं, क्या ठीक बोल रहे हैं, ठीक है, चलिए देखते हैं। परंपरावादी समष्टि प्रणाली में धन की प्रमात्रा में वृद्धि के परिणाम स्वरूप क्या परिवर्तन होगा। तो भैया देखिए, मूल्य स्तर में वृद्धि होगा, देयर इज नो डाउट, ठीक है। और जब मूल्य स्तर में वृद्धि होगा तो यहाँ पे क्या दिया गया कि मूल्य स्तर में कोई बदलाव नहीं होगा, नहीं भैया होगा, उत्पादन स्तर में कोई बदलाव नहीं होगा और रोजगार में कोई बदलाव नहीं होगा, ये बात बिल्कुल ठीक है। और रोजगार और उत्पादन में वृद्धि होगा, नहीं भैया कोई बदलाव नहीं होगा। देखिए भैया, आप यही तो पढ़ते हैं ना कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी तो इससे क्या होगा, कीमत स्तर 2 गुना हो जाएगा और मुद्रा का मूल्य क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो यही तो आप देखते हैं ना। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं, अच्छा सॉरी, यहाँ पे धन की प्रमात्रा दिया है, हाँ ठीक है। तो मूल्य स्तर में वृद्धि होगा और उत्पादन स्तर में कोई बदलाव नहीं होगा और रोजगार में कोई वृद्धि देखने को नहीं मिलेगा। अर्थात अगर जो अर्थव्यवस्था में क्या होगा कि मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कि सबकी मांग बढ़ेगी। जब सबकी मांग बढ़ेगी और मांग के अनुसार पूर्ति नहीं हो पाएगी, अर्थात एक तरफ मांग ज़्यादा होगी पूर्ति कम होगी, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जाहिर सी बात है कि वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो जाएगी। जितने लोग भी डी बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं। अगला कि वैगनर अपने किस सिद्धांत के लिए याद किए जाते हैं, वैगनर साहब अपने किस सिद्धांत के लिए याद किए जाते हैं, कमेंट करके बताइए। बिल्कुल ठीक है। क्या उत्तर आ रहा है कि वैगनर अपने किस सिद्धांत के लिए याद किए जाते हैं। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं, और कोई सी के अलावा कोई और है, बिल्कुल। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा, राज्य की बढ़ती गतिविधि के लिए। वैगनर साहब क्या कहते हैं, वैगनर साहब कहते हैं कि जब कोई देश आर्थिक विकास करेगा तो उस देश में क्या होगा, उस देश में मांग का स्तर बढ़ेगा और पूर्ति का स्तर बढ़ेगा, और जब मांग व पूर्ति का स्तर बढ़ जाएगा तो ऐसी स्थिति में राज्य की आर्थिक गतिविधि बढ़ जाएगी, और देश जब राज्य की आर्थिक गतिविधि बढ़ जाएगी तो उत्पादन का स्तर तेजी से बढ़ने लगेगा, जिससे उस देश की राष्ट्रीय आय
और उस देश के उस जिससे उस देश का आर्थिक विकास होगा, ठीक है, उस देश का आर्थिक विकास होगा। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला, ठीक है, आज ये भी क्वेश्चन था। देखिए मैं बार बार बोलता हूँ ना, जितना मैं करवाऊंगा उतना आप बस कर लीजिए, आपका पेपर में ऐसा कुछ नहीं होगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न कि ड्यूजेनबरी की सापेक्ष आय अवधारणा यह बताती है कि जैसी जैसे आय बढ़ती है वैसे वैसे उपभोग प्रकार ऊपर की ओर बढ़ता चला जाता है, इसलिए जैसे मैं देख रहा हूँ आज ही कई लोग बता रहे हैं कि सर जी इसी सेशन से 4-5 प्रश्न थे, तो अगर जो एक सेशन आप कर रहे हैं आपके पेपर में एक सेशन से 4-5 प्रश्न बन जा रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है ना। ऐसे आप लगातार जब सेशन करते हैं तो आपको सभी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। मैं इसलिए नहीं बोलता हूं कि मेरे अंदर कोई सुपर पावर है, इसलिए बोलता हूं कि भैया हम लोग मेहनत करते हैं और हम लोग को मेहनत पे विश्वास है। आप लोग भी हैं, आप इतना बेहतर पढ़ रहे हैं तभी जा करके इतना सुचारू रूप से क्लास चल भी पा रहा है। तो मैं अगर जो प्रयास कर रहा हूँ तो आप भी प्रयास कर रहे हैं, तो जितना मेरा इसमें सहयोग है इस क्लास को चलाने में उतना ही सहयोग आपका भी है ना। तो बस आप इसी तरीके से लगे रहिए, बने रहिए, बाकी आप खुद ही सारी चीज़ों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि अगर जो आप ईमानदारी से एप्लीकेशन पे पढ़ लेंगे, यूट्यूब पे प्रैक्टिस कर लेंगे, कुछ भी इधर उधर से छूने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। चलिए क्या उत्तर आ रहा है भाई, कि ड्यूजेनबरी की सापेक्ष आय अवधारणा। अब बच्चों वाली बात है, जो पुराने स्टूडेंट होंगे वो थक गए होंगे, कहेंगे सर जी थक जाते हैं इस प्रश्न को देख करके, लेकिन कोई बात नहीं, कुछ नए भी तो आए होंगे, तो चलिए देखते हैं। ड्यूजेनबरी की सापेक्ष आय अवधारणा ये बताती है कि जैसे जैसे आय बढ़ती है वैसे वैसे उपभोग प्रकार वक्र ऊपर की ओर बढ़ता है। क्यों बढ़ता है भाई, बिल्कुल ठीक है। तो देखिए ड्यूजेनबरी साहब ने सापेक्ष आय परिकल्पना जो दिया था ना उसमें 2-3 बातें उन्होंने बताई थी, ये 2-3 बातें आप याद रखिएगा, फिर यहाँ से कोई प्रश्न गलत नहीं होगा। ड्यूजेनबरी ने ये कहा था कि देखिए जब लोगों की आय में वृद्धि होती है ना तो लोग उसी अनुपात में अपने व्यय को भी बढ़ा लेते हैं, ठीक है। ड्यूजेनबरी साहब ने ये कहा कि जब लोगों की आय में वृद्धि होती है तो जिस अनुपात में आय में वृद्धि होती है उसी तरीके से लोग अपने व्यय को भी बढ़ा ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि अभी आपकी इनकम अगर जो 10,000 रुपये है तो 10,000 रुपये तो आप खर्च कर पाएंगे, लेकिन जब आपकी इनकम 2,00,000 रुपये महीने की हो जाएगी तो आप क्या करेंगे कि बहुत सारी विलासिता की वस्तुओं का उपभोग आप करने लगेंगे। तो जिस अनुपात में आय बढ़ेगी उसी अनुपात में आप अपने व्यय को बढ़ा लेंगे, और यही मनुष्य की प्रवृत्ति होती है, ठीक है। लेकिन जब दूसरी कंडीशन आती है तो उसमें क्या होता है कि जब आपकी आय में कमी आती है तो जितनी तेजी से आपका आय कम होता है ना उतनी तेजी से आप अपने व्यय को कम नहीं कर पाते। जैसे कि कोविड के समय में लाखों लोग क्या थे कि जो किसी बड़े अच्छे रेस्टोरेंट में काम करते थे, लाखों रुपए महीने उनकी सैलरी थी, कोई अच्छे शॉपिंग मॉल में काम करता था मैनेजर के पद, या जिसकी सैलरी लाखों रुपए की थी, जब शॉपिंग मॉल और सारी चीज़ें बंद हो गई तो अब उनकी इनकम क्या हो गई, जीरो हो गई, ठीक है। लेकिन अब वो कार से चलने के आदि हो चुके हैं, तो ऐसा थोड़ी होगा कि कार से नहीं चलेंगे, साइकिल से वो चल पाएंगे क्या, साइकिल चलेंगे, उधार लेकर के चलेंगे लेकिन साइकिल से नहीं चलेंगे, कार से ही उनको चलना है। वॉशिंग मशीन में कपड़े धुलने की आदत पड़ गई है तो भैया वॉशिंग मशीन इस्तेमाल करेंगे ही, एयर कंडीशन इस्तेमाल करेंगे ही। तो इट मीन्स ये है कि जब आपकी आय बढ़ती है तो आप अपने व्यय को तो बढ़ा लेते हैं, लेकिन जब आपकी आय घटती है तो आप अपने व्यय को घटा नहीं पाते हैं। ये सबके साथ होता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि औसत उपभोग प्रवृत्ति बढ़ती है, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे सभी लोग का उत्तर एब्सोल्युटली 100% ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, कि गुणक प्रभाव का बड़ा हिस्सा बहुत कम अवधियों में प्राप्त होता है जब उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति होती है, बिल्कुल ठीक है। क्या उत्तर होगा भाई, बिल्कुल ठीक है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब फिर आपको याद आना चाहिए कि सर जी अभी आप बोलेंगे क्या, बोलेंगे
कि गुणक की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दिया था? रोजगार गुणक के रूप में आरएफ कोहन ने। रोजगार गुणक के रूप में किसने दिया था? आरएफ कोहन ने दिया था। ठीक है, गुणक की अवधारणा विकसित किसने किया? तो विकसित किया निवेश के निवेश गुणक के रूप में। विकसित किसने किया? निवेश गुणक के रूप में किंस साहब ने विकसित किया। निवेश गुणक के रूप में किसने विकसित किया? किंस ने किया। गुणक होता क्या है? तो गुणक ये होता है कि जब राष्ट्र में जब जब देश में निवेश के स्तर को बढ़ाया जाता है तो जितना निवेश बढ़ाया गया है उससे कई गुना वृद्धि राष्ट्रीय आय में होती है, अर्थात देश की जो आय होती है उसमें कई गुना वृद्धि देखने को मिलती है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, फिर इतने सारे लोग गलत क्यों बोल रहे हैं जब सबको पता है? तो इतने सारे लोग गलत क्यों कर रहे हैं? सी होगा ना, बच्चों वाली बात है, कम होगा, सी होगा कि सी होगा ना। तो देखिए, गुणक प्रभाव का बड़ा हिस्सा बहुत कम अवधियों में प्राप्त होता है जब गुणक की सीमांत प्रवृत्ति क्या हो, बहुत ही कम हो। अब इसके लिए आपको गुणक और त्वरक की अवधारणा पढ़ना पड़ेगा। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, जेबी से के अनुसार मजदूरी किस जेबी से के अनुसार बेरोजगारी किसके द्वारा समाप्त की जाती है? और जो लोग भी दोस्तों लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे अभी तक कॉन्सेप्ट की क्लास नहीं ज्वाइन किए हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया जा रहा है, कंप्लीट आपको नोट्स दिया जा रहा है, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और करंट सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है सिंपल सटीक साधारण भाषा में। बहुत दिनों बाद भी आप इकोनॉमिक्स पढ़ने जा रहे होंगे तो कोई आपको समस्या वहाँ पे होने वाली नहीं है। एडमिशन ओपन है, एडमिशन की जो फीस है वो केवल और केवल 2,000 रुपये है, लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ। इट मीन्स अगर जो आप एक बार एडमिशन लेते हैं तो वर्तमान परीक्षा में तो आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, साथ ही साथ जब भी कोई भी नई वैकेंसी आती है उसके लिए जब भी नया बैच प्रारंभ किया जाएगा आपको ऑटोमेटिक बैच में ऐड कर दिया जाएगा, आपको अलग से फीस पेमेंट करने की जरूरत नहीं होगी। किसी भी प्रकार की इंक्वायरी के लिए आप इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। एडमिशन फीस लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ केवल और केवल 2,000 रुपये। तो चलिए, अब से साहब की अगर जो बात करें तो से के नियम के अनुसार बेरोजगारी किसके द्वारा समाप्त की जाएगी? तो देखिए दोस्तों, जो से साहब थे ना वो पीगू से सहमत थे। ठीक है, जो से साहब थे वो पीगू से सहमत थे। पीगू ने बोला था ना और प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने कहा था ना कि देखिए भैया, अगर जो अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी के स्तर को क्या करना है, अगर जो बेरोजगारी की समस्या को समाप्त करना है तो हमें क्या करना चाहिए, बेरोजगारी की समस्या को अगर जो समाप्त करना है तो हमें क्या कर देना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, मौद्रिक मजदूरी में कटौती करनी चाहिए। लेकिन जब किंस साहब आते हैं तो कहते हैं नहीं, मौद्रिक मजदूरी में कटौती नहीं करना चाहिए, अगर जो हमें अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी की समस्या को समाप्त करना है तो हमें प्रभावी मांग को बढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो किंस साहब प्रभावी मांग की बात करते हैं और जेबी से साहब जो है वो सहमत थे मजदूरी कटौती से, जो पीगू ने बोला था। ठीक है, ठीक है। अगला, प्रकट अधिमान सिद्धांत की निम्नलिखित में से कौन सी मान्यता नहीं है? चलिए, इसमें से कौन सी मान्यता नहीं है, चलिए भाई बताइए। बिल्कुल ठीक है, 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 बिल्कुल बिल्कुल। जे बी से को आप प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों में शामिल करेंगे कि नहीं करेंगे? ठीक है, तो अब प्रश्न बन गया है तो बन गया है। हालांकि कायदे से पीगू ही देना चाहिए, कायदे से पीगू देना चाहिए, लेकिन चूंकि पीगू जो थे वो इन्हीं लोग की टोली के थे। ठीक है, जैसे एडम स्मिथ हो गए, डेविड रिकार्डो हो गए, जेएस मिल हो गए, ठीक है, जेएस मिल हो गए, उसके बाद आपके ये हो गए, जेबी से साहब हो गए, ये एक ही टोली के थे। और टोली का मतलब क्या कि इनकी जो बातें थी वो एक दूसरे से ठीक तरीके से मैच करती थी। लेकिन जब किन साहब आते हैं तो इन सभी लोगों की आलोचना करते हैं। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है भाई, कि प्रकट अधिमान सिद्धांत की निम्नलिखित में से कौन सी मान्यता नहीं है? प्रकट अधिमान सिद्धांत किस में से कौन सी मान्यता नहीं है सर, बता दीजिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं, क्या ठीक बोल रहे हैं, कौन सा, कौन, प्रकट अधिमान सिद्धांत किसने दिया? अरे भैया, सैमुएलसन ने दिया। और किसने दिया?
प्रकट अधमान सिद्धांत किसने दिया? सैमुएलसन ने दिया, दिया था कि नहीं दिया था? 100% दिया था। ठीक है, क्या कहा था? कहा था ना कि उपभोक्ता जो होता है वो विवेकपूर्ण होता है, ठीक है, वो अपने पैसे को इस तरीके से खर्च करता है कि उसे मैक्सिमम संतुष्टि प्राप्त हो, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि मांग के संदर्भ में धनात्मक आयलोच देखने को मिलता है, और उन्होंने सबल क्रमबद्धता की भी बात की थी। तो जितने लोग भी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं कि दी हुई आय कीमत स्थिति में उपभोग वस्तुओं के बहुत से संयोगों को चुन सकता है। बहुत से संयोग को थोड़ी चुना जाएगा भाई, किसी एक संयोग को चुना जाएगा ना। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न कि अर्थव्यवस्था में क्राउडिंग आउट स्थिति उत्पन्न हो जाएगी यदि, एक लाइन में बताऊंगा, बस ध्यान से सुनिएगा, कभी भूलेगा नहीं। क्राउडिंग आउट इफेक्ट का मतलब क्या होता है? क्राउडिंग आउट इफेक्ट का मतलब ये होता है कि सरकार जब अपने व्यय को बढ़ाएगी, अर्थात सरकार अगर जो अपनी आय से ज़्यादा अर्थव्यवस्था में व्यय कर रही है, तो सरकार को क्या करना पड़ेगा? सरकार को आय कलेक्ट करने के लिए कर की दर बढ़ा देनी पड़ेगी ना, कर की दर बढ़ा देनी पड़ेगी, जनता पे कर ज़्यादा लगाना पड़ेगा सरकार को। तो ऐसी स्थिति में जब सरकार ज़्यादा आय प्राप्त करना चाहती है, इट मीन्स सरकार की आय कम है और सरकार अर्थव्यवस्था में व्यय ज़्यादा कर रही है। अब आप कहेंगे कि सर जी ये कैसे हो सकता है कि सरकार की आय कम है और व्यय सरकार ज़्यादा कर रही है? तो देखिए, सरकार और व्यक्ति में बहुत अंतर होता है। हम लोग जो हैं, एक व्यक्ति जो होता है ना, वो अपने पहले आय को देखता है, उसके बाद अपने व्यय को निर्धारित करता है। आप पहले ये देखते हैं कि आपके पास महीने की सैलरी कितनी आ रही है, क्या रुपये आ रहा है, और जितना रुपये आ रहा है उसी के अनुसार अपने व्यय को आप निर्धारित करते हैं। लेकिन सरकार के साथ ऐसा नहीं होता है। सरकार जो है वो सबसे पहले अपने व्यय को देखता है कि हमें अर्थव्यवस्था में कितना पैसा खर्च करने की ज़रूरत है, स्वास्थ्य, परिवहन, शिक्षा, व्यापार, अन्य चीज़ों पे पैसा कितना खर्च करने की ज़रूरत है, और जितना ज़रूरत है उसके अनुसार सरकार आय अर्जित करता है। तो ऐसी स्थिति में सरकार अगर जो अपने आय से ज़्यादा अर्थव्यवस्था में व्यय कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में सरकार कर की दर को बढ़ा देगा, और जब कर की दर बढ़ा देगा तो ऐसी स्थिति में जो निजी निवेश होगा उसमें कमी आ जाएगी, और जब निजी निवेश में कमी आ जाएगी तो फिर आप जानते ही हैं कि क्या हो जाएगा। तो देखिए, अर्थव्यवस्था में क्राउडिंग आउट की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी यदि सरकारी व्यय बढ़ रहा हो, जैसा कि मैंने आपको बताया, और घाटे का वित्त पोषण नियंत्रण में हो। बिल्कुल ठीक है, घाटे का वित्त पोषण अर्थात अब क्या कर रहे हैं कि आपके अपने आय से ज़्यादा व्यय कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि आप अपने आय को अर्जित करने के लिए कर की मात्रा को बढ़ा रहे हैं। तो जब सरकार अगर जो अपने आय से ज़्यादा सरकार अपने आय से ज़्यादा व्यय कर रही है तो कर की दर बढ़ाएगी, और जब कर की दर बढ़ाएगी तो कर कौन देगा? आम जनता देगी। तो जब कर आम जनता देगी तो भैया जो पैसा वो निवेश करती थी अब वो कर के रूप में दे दे रही है, अर्थात निजी निवेश में कमी आ गई। तो क्राउडिंग आउट इफेक्ट का मतलब ये होता है कि सरकारी व्यय के वजह से निजी निवेश में कमी, ठीक है। तो याद रखिएगा, सरकारी व्यय में वृद्धि के कारण सरकारी व्यय में वृद्धि के कारण निजी निवेश में कमी ही क्राउडिंग आउट इफेक्ट कहलाता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं। अगला, समावेशी विकास का लक्ष्य प्रथम बार भारत की किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? चलिए भाई बताइए। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, अरे भाई IMF की बात आप लोग कर रहे हैं, इतनी बार मैं बताया हूँ फिर भी कंफ्यूज हो रहे हैं। ब्रेटन वुड समझौता कब हुआ था, फिर IMF कब आया था, कब काम शुरू किया था? तो 1944, 45 और 47 में जो कंफ्यूज है वो इसलिए कंफ्यूज है कि वो ठीक तरीके से इस बात पे ध्यान दिया नहीं, ठीक है। चलिए, तो 44 में आया था ना, उसी ब्रेटन वुड्स समझौते के परिणाम स्वरूप ही तो क्या होता है दोस्तों, ये आता है ना IMF। IMF की स्थापना 45 में होती है और IMF कार्य शुरू करता है 2 साल बाद, अर्थात 1947 में। यहीं पे 1945 में विश्व बैंक की भी स्थापना होती है, लेकिन विश्व बैंक की स्थापना 45 में होता है
वो एक ही साल बाद शुरू कर देता है काम, 1946 में कर देता है, तो फिर आपको क्यों दिक्कत हो रही है? ऐसे ही बहुत सारे लोग कंफ्यूज करते हैं आरबीआई की स्थापना में। तो आरबीआई एक्ट 1934 में आया था, आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था, ठीक है। चलिए कि समावेशी विकास का लक्ष्य प्रथम बार भारत की किस योजना में दिया गया था? तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं, 11वीं पंचवर्षीय योजना में समावेशी विकास का लक्ष्य रखा गया। और समावेशी विकास का मतलब क्या होता है? समावेशी विकास का मतलब ये होता है कि अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों का क्या किया जाएगा, विकास किया जाएगा। अगला कि बढ़ती शहरी रोजगार के परिप्रेक्ष्य में ग्रामीण शहरी पलायन से संबंधित विरोधाभास की निम्न में से कौन सी मॉडल व्याख्या करता है? बहुत खूबसूरत सा प्रश्न है। ऐसे प्रश्न बहुत कम आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन पेपर में ऐसे प्रश्न ज्यादा देखने को मिलते हैं। क्या उत्तर आ रहा है सर, बताइए भाई। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, चलिए सागर जी बताइए क्या उत्तर आ रहा है। अस्मिता जी, ललिता जी, बिल्कुल ठीक है। सपना जी, सभी लोग निवेदन है कि आप थोड़ा सा वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दिया करिए। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, बी बोल रहे हैं, लेविस मॉडल। सभी लोग बी बोल रहे हैं क्या? कुछ लोग डी भी बोल रहे हैं। थोड़ा आराम से करिएगा। ये बढ़िया प्रश्न है, अच्छा सा प्रश्न। बिल्कुल ठीक है, क्या उत्तर आ रहा है भाई? बिल्कुल ठीक है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, डी सभी लोग बोल रहे हैं। टोरंटो मॉडल है क्या ये? तो जितने लोग भी टोरंटो मॉडल की बात बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगी, ठीक है, बिल्कुल। और ये टोरंटो मॉडल क्या बताया था? तो एक लाइन में अगर जो इसे समझना हो ना, तो टोरंटो मॉडल ने ये बताया था कि देखिए, जो ग्रामीण क्षेत्र होता है ना, इन ग्रामीण क्षेत्रों में क्या देखने को मिलता है? जो ग्रामीण क्षेत्र होता है ना, यहाँ पे मजदूरी कम मिलती है। यहाँ पे मजदूरी जो होती है वो क्या होती है, मजदूरी का स्तर जो होता है वो नीचे होता है, मजदूरी कम मिलता है। और जो शहरी क्षेत्र होता है वहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे मजदूरी का स्तर ऊंचा होता है, यहाँ पे मजदूरी ज़्यादा मिलती है। अर्थात शहरों के मुकाबले गाँव में मजदूरी की दर कम प्राप्त होती है मजदूरों को। यही बात दोस्तों टोरंटो मॉडल बताता है, ठीक है। मैं एक लाइन में बता दिया, ठीक है, बाकी बहुत सारी चीज़ें वो बताता है। अगला प्रश्न, बस एक लाइन में मैंने बता दिया जो ज़्यादा ज़रूरी था, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। समृद्धि के हैरड मॉडल में यदि वांछित समृद्धि दर समृद्धि की प्राकृतिक दर से नीचे हो तो निम्नलिखित में से किस प्रकार से स्थिर अवस्था समृद्धि को बरकरार रखा जा सकता है? अब आपको यहाँ पे आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास से संबंधित जितनी भी अवधारणाएं हैं आपको पढ़ी होनी चाहिए, हैरड डोमर मॉडल पढ़ा होना चाहिए, सोलो साहब पढ़े होने चाहिए, ठीक है। क्या उत्तर आ रहा है भाई, क्या उत्तर आ रहा है? तो जितने लोग भी ए बोलेंगे सर, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है कि समृद्धि के हैरड मॉडल में यदि वांछित समृद्धि दर समृद्धि की प्राकृतिक दर से नीचे है तो इसका मतलब ये होगा कि अर्थव्यवस्था में सतत बढ़ती हुई बेरोजगारी है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली ठीक हो जाएगा। कहीं भी जाइएगा नहीं, कमेंट करके बताइए कि कितने प्रतिशत प्रश्न आपके सही हुए। और दोस्तों आप लोगों की इकोनॉमिक्स की दूसरी क्लास लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे चल रही है। मैं जिम्मेदारी और विश्वास से कह सकता हूँ कि अगर जो आप ईमानदारी से मुझे एप्लीकेशन पे फॉलो कर रहे हैं, जितना भी कंटेंट दिया जा रहा है, और यूट्यूब पे अगर जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप परेशान न होइएगा। आप अगर जो 2 से 3 घंटा ईच एंड एवरी डे पढ़ देंगे ना, 3 घंटे अगर जो ठीक तरीके से पढ़ देंगे एप्लीकेशन और यूट्यूब पे मिला करके, तो 1 घंटे 1.5 घंटे एप्लीकेशन पे और 1.5 घंटे यूट्यूब पे, तो बहुत ही कम समय में सब कुछ आपका कवर होने वाला है। यहाँ पे अलग अलग बैच चलाए जा रहे हैं और सभी बैचेस में आपके सिलेबस के अनुसार अलग अलग कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं, जहाँ पे प्रत्येक बैच में आपको आपके सिलेबस के अनुसार इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट सिंपल सटीक साधारण भाषा में
पढ़ाए जा रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आपको कंप्लीट इकोनॉमिक्स के नोट्स भी दिए जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके पास इकोनॉमिक्स के नोट्स होते नहीं हैं, या होते भी हैं तो इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कि समझ में नहीं आता है क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। तो आपको बिल्कुल सिंपल सटीक साधारण भाषा में नोट्स दिया जा रहा है, एक तरफ आप कॉन्सेप्ट पढ़ते रहिए, दूसरे तरफ आप नोट्स के माध्यम से रिविजन करते रहिए। इसके अतिरिक्त आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी दिया जा रहा है, ताकि आप टेस्ट दीजिए, अपना इवेल्युएशन कर पाइए कि आखिरकार गलती कहाँ पे हो रही है, क्या भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रश्न गलत हो रहे हैं, मुद्रा एवं बैंकिंग के प्रश्न गलत हो रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रश्न गलत हो रहे हैं, जहाँ के भी प्रश्न गलत हो रहे हैं उस प्रश्न को उस टॉपिक को फिर दोबारा पढ़िए, फिर अगला टेस्ट दीजिए, जिससे आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो पाए। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी आपको दिए जा रहे हैं, ताकि आपको ये बात समझ में आए कि किस लेवल की तैयारी आपको करनी है, ठीक है। और डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं। साथ ही साथ दोस्तों आपको यहाँ पे करंट की भी क्लास देखने को मिल जाती है। सब कुछ प्रोवाइड कराना हमारी जिम्मेदारी है, बस आप ईमानदारी से एप्लीकेशन पे पढ़ते रहिए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए, कहीं भी इधर उधर से कुछ भी आपको कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। कोर्स की बात करें तो कोर्स की वैलिडिटी लाइफ टाइम है, इट मीन्स अगर जो आप एक बार एडमिशन लेते हैं तो वर्तमान परीक्षा में तो आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, साथ ही साथ इन फ्यूचर में जब भी नया बैच प्रारंभ होगा आपको ऑटोमेटिक वहाँ पे ऐड कर दिया जाएगा, आपको अलग से फीस पेमेंट करने की जरूरत नहीं होगी। एडमिशन फीस केवल और केवल 2000 रुपये है, तो सिंपली एडमिशन लेने के लिए आप गूगल पे फोन पे या पेटीएम के माध्यम से अपनी फीस इस नंबर पे पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर देंगे तो आपको एडमिशन मिल जाएगा, या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, एप्लीकेशन का लिंक दिया गया, एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से डायरेक्ट भी कोर्स को परचेज कर सकते हैं। सारे बैचेज उपलब्ध हैं और सारे बैचेज लगभग नए प्रारंभ हुए हैं, जो आपकी 2-4-10 क्लास छूट जाएगी वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लास मिल जाएगी। उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी का बैच उपलब्ध है, बिहार टीजीटी पीजीटी का बैच उपलब्ध है, यूजीसी नेट का बैच उपलब्ध है, झारखंड टीजीटी पीजीटी झारखंड में जेट की परीक्षा के लिए अलग बैच उपलब्ध है, मध्य प्रदेश स्टेट मध्य प्रदेश सेट के लिए अलग बैच उपलब्ध है, उत्तराखंड लेक्चरर उत्तराखंड एलटी एलटी ग्रेड जीआईसी लेक्चरर असिस्टेंट प्रोफेसर और अन्य अलग अलग परीक्षाओं के लिए आपको बैच देखने को मिल जाएगा। किसी भी प्रकार की इंक्वायरी के लिए आप इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, मिलते हैं हम लोग कल एक नए उत्साह नए एनर्जी के साथ, कल मिलते हैं दोपहर में एप्लीकेशन पे, शाम को मिलते हैं यूट्यूब पे, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।